एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी, झूमेगा आसमां गाएगी जमीन। मैंने सोचा न था तरह होश खो जाएंगे। पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था गाती हुई जागती रात है। रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है। रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे जाना था। सलाम साहब, शराब का जूस। सलाम साहब, थैंक यू। यही रोक लो, यही मुझे मेरी गाड़ी के पास छोड़ दो और तुम एसी ठीक करवा के शाम 6 बजे मुझे फोन करना। अरे ये क्या तरीका है, गाड़ी आगे लीजिए। हमारी मेम साहब को उतरना है साहब। कौन मेम साहब? देखिए अपने ड्राइवर से कहिए गाड़ी जरा आगे ले लीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए। ड्राइवर जी, साहब के ड्राइवर से कहो कि वो अपने साहब से कहे कि वो जरा तमीज से बात करें। ए ड्राइवर, अपने साहब को बोलो हमारी मेम साहब से जरा ठीक से बात करने के लिए। क्या बोला? कंट्रोल योरसेल्फ ड्राइवर। यस बॉस। उनसे कहो कि गलती उनकी है, हमको ना समझाएं। ड्राइवर जी, मेम साहब, साहब के ड्राइवर से कहो कि वो अपने साहब से पूछें कि वो गलत तरफ से क्यों उतर रहे हैं। ड्राइवर इनसे कहो कि गाड़ी हमारी है, हमारी जहाँ से मर्जी होगी हम उसी तरफ से उतरेंगे। ड्राइवर उनसे कहो कि ये गाड़ी भी हमारी है, हमारी भी जहाँ मर्जी होगी हम वहीं रोकेंगे। ये हुई ना बात, अब बोल। साहब आप कुछ बोलिए ना। हाँ, उनसे कहो कि बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है,
पैसों का झूठा घमंड हमें मत दिखाएं। लंबी गाड़ी में घूमने के लिए तहजीब की भी जरूरत होती है। साहब ये बहुत लंबी लाइन है, आप डायरेक्ट बोलिए ना। क्या बोला मैंने? रहने दो ड्राइवर, हमारे पास इन छोटे लोगों के साथ बहस करने का टाइम नहीं है। हमारी मर्सिडीज आगे ले लो। जी मैम साहब। अरे एक्सक्यूज मी, ये छोटा किसको बोला आपने? आपने छोटा किसको बोला? साहब मुझे बोला। तुमको बोला? हाँ साहब। ठीक है, ऐसा करो ये गाड़ी लेके तुम ऑफिस चले जाओ। साहब आपकी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो है ना सामने। अच्छा सर। और देखो ये एसी ठीक करवा रहा। कम ऑन, गो गो गो। क्या हुआ बोला सर? क्या हुआ? क्या लाइसेंस नहीं इसके पास, ऐसा कैसा गाड़ी चलाता है? जरा आराम से सोचिए ना, अगर कोई मेम साहब मर्सिडीज में होती तो आप उसको ऐसा रोकते क्या? नहीं रोकता। फिर ए, रोकता क्यों नहीं रोकता? तो फिर जाइए मर्सिडीज वाले को रोके ना, क्यों इस बेचारी गरीब लड़की को परेशान कर रहे हैं? ए गरीब लड़की, माफी मांग लो ना, ये हवलदार साहब हमारे माई बाप है। बेला 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 भाऊजी कैसे हैं? ऑपरेशन हो गया क्या? ऑपरेशन ऑपरेशन इनके भाऊजी बहुत बीमार हैं, बेचारे की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। क्या बात करता है? हम दोनों दिल भी फेल हो गए हैं। क्या बोलता है? सही बोलता है। बहन जी आपको जल्द से जल्द अस्पताल जाना चाहिए। आप महान हैं। क्या कर रहा है? जाए। थैंक्स। ऑलराइट। मेरा नाम राहुल है, आपका क्या नाम है बेला? सीमा। मैं तो अपनी कंपनी की गाड़ी में घूम रहा था, आप किसकी गाड़ी में घूम रही थी? उसी की गाड़ी में जिसकी कंपनी में कुछ काम से गई थी। अच्छा क्या हुआ? मर्सिडीज खराब हो गई? मैं ठीक कर देता हूँ, मुझे तो आदत है, मेरा स्कूटर तो बेवक्त बार बार खराब होता है। वैसे पेट्रोल तो है ना? आप जा कहाँ तक रही थी? वो हॉस्टल तक, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। ये लीजिए आपकी गाड़ी ठीक हो गई और मेरे हाथ। ये ले लीजिए। थैंक यू। वैसे मैंने आपको गुस्से में कुछ कह दिया तो बुरा मत मानिएगा। इट्स ऑल राइट। शुक्रिया, बाय, फिर मिलेंगे। मर्सिडीज गाड़ी में? इन्हीं रास्तों पर। ओके। अरे रीमा तुम्हारा रुमाल नहीं, नहीं क्या नाम था? मिसेस जोशी आपसे कितनी बार कहा है? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे टेस्ट हो चुके हैं, ईसीजी भी हो चुका है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप तो टेस्ट से ऐसे घबरा रही हैं जैसे कोई स्कूल की बच्ची घबराती हो। डॉक्टर साहब मेरी माँ तो ठीक हो जाएंगी ना? वेल, जिसका डर था वही हुआ, उन्हें बाईपास की जरूरत है। डॉक्टर इसमें कोई खतरा तो नहीं? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। जी डोंट वरी, डॉक्टर पाठक के शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से अगले महीने आ रहे हैं, आते ही सर्जरी करवा देंगे। ओके सर। इन द मीन टाइम मैं कुछ जरूरी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब ये। डॉक्टर साहब ऑपरेशन की तारीख तय हो जाए मैं तब तक मेरी बहन को नासिक ले जा सकता हूँ। मामा जी आप भी। नहीं, नहीं, ये सुझाव अच्छा है वैसे, इस शहर के भागदौड़ से दूर उन्हें कुछ आराम भी मिलेगा, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, उन्हें कोई सदमा या टेंशन नहीं होना चाहिए।
अरे भाई जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। और माँ वो भैया के बछड़े की शादी के चक्कर में यहाँ वहाँ मत भागते फिरना, वो बछड़ा तो वैसे ही लूज कैरेक्टर का है। वो तो बछड़ी अपने आप ढूंढ लेगा, लेकिन तू कब शादी करेगा, तू कब बहू ढूंढेगा? अरे माँ तेरी दुल्हन तो कब के घर में आ गई है, और आज तूने उसको आशीर्वाद भी नहीं दिया। चल चल पहले चलकर अपनी दुल्हन को आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे। हाँ बाबा, दिया दिया दिया। थैंक यू माँ। माँ तू तो जानती है कि मेरी शादी मेरे सपने से हो चुकी है, मेरी इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। देखना माँ कितना सुंदर और बड़ा ऑफिस है। तू कितनी बार दिखाएगा? बार बार दिखाता रहूंगा माँ, और तब तक दिखाता रहूंगा जब तक ये एडवर्टाइजिंग ऑफिस मेरा अपना नहीं हो जाता। वो किसी ने कहा है ना कि पहले शोहरत बाद में औरत। तू तो बिल्कुल पगला है। अरे बेटे इसी तरह के कामकाज के चक्कर में मैं कुमारा रह गया। मामा मामा मामा, दिल की गली बहुत छोटी होती है, उसमें या तो पैसा रह सकता है या प्यार। हाँ हाँ, कब कौन सी लड़की तेरे दिल में चली आएगी पता नहीं चलेगा। अरे क्या लड़की? अरे माँ मैं तो भूल ही गया, मेरा एक अपॉइंटमेंट था 6 बजे का, और मुझे उसके बाद ऑफिस भी पहुंचना है। मैं चलता हूँ माँ, तुम संभाल कर जाना। ओके माँ। मामा माँ का ख्याल रखना। तुम जीती रहो, मेरा मतलब तुम ये कहो। हाँ जीते रहो, जीते रहो। थैंक यू माँ। स्कूटर की चाबी। बाय मामा। बाय माँ। माँ तुम इतनी सुंदर क्यों? चल चल अभी जाना। हमारा पूरा फैमिली सुंदर है। धोखेबाज, चीटर, लायर, मकार। आई न्यू इट। मकार सब मर्द एक जैसे होते हैं, झूठे। क्या कहा था, जन्म जन्म का बंधन है। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। कीप दिस। नहीं चाहिए। अरे एक बात तो सुनिए ना प्लीज। सारी बातें हो चुकी। आई हेट यू, आई हेट यू ऑल। इट ऑल राइट नाउ, गो गेट लॉस्ट। ओके, यू आल्सो हैव अ नाइस डे। बाय बाय। कमीने, मक्कार, धोखेबाज, चीटर, लायर, कायर, टायर, टायर नहीं बस, लुटेरा, खटारा, पिटारा। सॉरी बॉस, क्या क्या नहीं कहा उसने। मुझे नहीं पता था बेचारी मुझसे इतना प्यार करती है। खैर तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। और हाँ बॉस, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का काम बहुत जोरों से चल रहा है। मैंने शुक्ला साहब को सब डिटेल्स दे दी हैं, और शर्मा साहब से कहा है कि वीआईपी अरेंजमेंट सारे। अरे बॉस वेरी गुड। आप कहाँ जा रहे हैं? राहुल मैं टीना से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन बॉस आप कुछ भूल रहे हैं। मैं भूल रहा हूँ? क्या भूल रहा हूँ? बॉस आज आपकी शादी की सालगिरह है। अरे हाँ मैं भूल गया। और राहुल, राहुल मैं शीला के लिए तोहफा लेना भी भूल गया। बॉस अरे फिर ये बंदा किस दिन काम आएगा? मैंने शीला भाभी के लिए तोहफा ऑलरेडी ले लिया है, और बॉस शीला भाभी जब वो तोहफा देखेंगी तो आपसे दोबारा शादी कर लेंगी। तुम सच कह रहे हो राहुल? यस बॉस। राहुल यू आर सो गुड। थैंक यू बॉस। इसीलिए तो तुम मेरे दाहिने हाथ हो। बॉस ये मेरा बायां हाथ है, दायां हाथ तो। Naughty. Yeah, Colin. आइए शुक्ला जी, आइए। Good morning, sir. Hello. शुक्ला जी आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अच्छा? मैं राहुल को एक खुशखबरी देने ही वाला था। राहुल मैंने तुमसे जिस एड एजेंसी की बात की थी ना। Yes, boss. उसका प्लान अब पास हो चुका है, अब तुम्हारा ये सपना बिल्कुल जल्द ही पूरा होने वाला है राहुल। थैंक यू बॉस। बॉस के कुर्सी पे बैठोगे ब्रदर, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी, अरे 500 लोग तुम्हारे अंडर काम करेंगे। ऑल द बेस्ट। और तुम्हारा ये सपना मैं ही पूरा करूंगा राहुल। चलिए शुक्ला जी चलिए। चलिए सर। बॉस बॉस एक्सक्यूज मी सर, बॉस एक प्रॉब्लम है बॉस। वो भाभी जी को तोहफा तो मैं पहुंचा दूंगा बॉस, लेकिन उसे पहुंचाने के लिए थोड़ा सा टेम्पो ट्रांसपोर्टेशन। यस बॉस। अच्छा इस जेब में बॉस। तुम्हें कैसे पता? जनरल नॉलेज बॉस। मेरा मतलब जनरली आप यही रखते हैं ना। अच्छा थैंक यू बॉस। ओके बॉस वो ऑफिस के लिए शुक्रिया। एनी टाइम। Bye-bye. Good day, sir. See you. मेरा हिस्सा? ए, तेरे को शर्म नहीं आती बार बार पैसा मांगते हुए? तुझे शर्म आती है? नहीं ना, तो मुझे भी शर्म नहीं आती। आखिर तेरा ही चेला हूं ना। अपनी तो लाइफ में एक ही एम्बिशन है, अगर चमचा बनू तो तेरा। ए, अभी ज्यादा मस्का मत मार। नहीं नहीं मस्का। ले अपना हिस्सा पकड़। अच्छा और चल जल्दी से तैयार हो जा, शीला भाभी के लिए तोहफा लेकर जाना। तोहफा? इन पैसों से नहीं, इनसे। अच्छा अच्छा लेट्स गो। चलो जो भी
भी चाहो हो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाओ। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाओ, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। कैसा है टपोरी? अरे रंगीला डांस दिखा ना। ले आप जरा घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। वाओ, ये क्या है? इस एंगल से तो मुझे पियानो लगता है। एक्चुअली ये आपकी शादी के सालगिरह का तोहफा है, सिद्धार्थ साहब ने बहुत प्यार से भेजा है। इट्स लवली, लेकिन सिद्धार्थ कहाँ है? आते ही होंगे, मुझे लगता है बेचारे किसी जरूरी काम में फंस गए। He's coming. वो आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। लेकिन आपको ये तोहफा कैसा लगा? इट्स लवली, लेकिन अच्छा है ना?
बहुत अच्छा है ना। और देखिए और क्या भेजा है, जॉनी जॉनी यस ये देखिए, अरे देखिए क्या लिखा है, डियर शीला डियरेस्ट, डियरेस्ट शीला, डियरेस्ट शीला, जैसे ये पियानो सात सुरों से बना है वैसे ही हमारा रिश्ता भी सात जन्मों तक बना रहे। आई डोंट बिलीव दिस, ये सिद्धार्थ ने लिखा है? मैंने लिखा है, आई एम जोकिंग बाबी जी। शीला, शीला जी, शीला जी आपको शायद मालूम नहीं कि सिद्धार्थ साहब के बिजनेसमैन वाले दिल के किसी कोने में कहीं एक छोटा सा शायर छुपा बैठा है। अच्छा, और ऐसे भी आप हैं इतनी कमाल की कि कोई भी आपको देखे तो शायर बन जाए, क्यों जॉनी? हाँ ऑफ कोर्स, अर्ज किया है। अभी नहीं, देखिए ना, एक ही औरत में ब्यूटी, ब्रेन्स, बैंक बैलेंस, आजकल कहाँ मिलता है ये सब? राहुल कम ऑन, कहाँ कहाँ है आपके डैडी, बड़े पापा, हमारे बड़े साहब ऊपर हैं। मैं जाकर जरा उनका आशीर्वाद लेकर आता हूँ। ये लो। क्या बात है भूषण, तुम्हारा ध्यान का? किसी को खुश कैसे करना है ये तो कोई आपके प्यारे दामाद सिद्धार्थ से सीखे। अंकल आपने सारा का सारा एम्पायर उसके हवाले क्यों कर दिया? भाई वो आखिर हमारा दामाद है। मैं भी तो आपका भतीजा हूं, मेरा भी तो हक बनता है। अंकल बस एक मौका मुझे दीजिए, मैं सिद्धार्थ से अच्छा करके दिखाऊंगा। भाई वो शिकायत का कोई मौका दे तब ना। अंकल आप कभी ऑफिस चल के। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो मिस्टर जोशी। भाई हमारे होनहार दामाद क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की। अच्छा, मैंने अभी अभी ऑफिस में फोन किया था, सिद्धार्थ ऑफिस में नहीं है। करेक्ट सर, मैंने आपसे कब कहा कि वो ऑफिस में होंगे? मैंने आपसे बताया ना कि वो जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं ब्यूटी शो की। और सर आप तो जानते ही हैं कि तैयारी करने में कितनी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। पहले वो स्पॉन्सर से मीटिंग, फिर वो फोटोग्राफर से मीटिंग, फिर मॉडल से मीटिंग, और फिर फोटोग्राफर से मीटिंग की मॉडल से मीटिंग हो गई, और फिर स्पॉन्सर से मीटिंग की फोटोग्राफर से मीटिंग हो गई। सर मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, इट्स ऑलवेज मीटिंग। और वो बॉस ही हैं जो अपना काम प्यार और लगन से करते जा रहे करते जा रहे। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। कितना खूबसूरत नेकलेस है। ना 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 ना, ये नेकलेस नहीं है, ये तो जन्म जन्म का बंधन है। अब हम दो दिल, दो जान, दो शरीर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ए जॉनी, फर्स्ट टाइम मेरे को कोई लड़की पसंद आई है यार। लड़की इसी हॉस्टल में रहती है क्या? हाँ यही। बोलना यार क्या बात है। अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही जरा नर्वस हो रहा हूँ। नर्वस हो रहा है? लड़का हो के डरने का किससे? लड़की से। हाँ वो बात भी सही है। फिर वो क्या है ना, उसका ये रुमाल मेरे को वापस करना है। ओ भाई साहब, अरे रात में क्या करता है इधर? कुछ नहीं, जरा ये इधर इधर इधर। अरे अरे इधर घूमता है इधर। हाँ क्या है, कैसा है? अच्छा है। अरे सलाम तुम्हारा ना। सलाम। बात सुन, अपने को उससे मिलना है। किसे मिलना है? क्या नाम था उसका? क्या नाम था? मुझे क्या मालूम, तुझे ही मालूम है ना। देखना यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है ना उसका नाम बता। अरे इसका क्या नाम है? ये तो अपना शिवम बेबी है। अरे शिवम बेबी से तो मिलना था। शादी आता है, आता है। लेकिन तुम किधर जाता है? आता है ना, आता है। लेकिन हाय हाय। पहचान लिया? मछली हवलदार, याद आया ना? ऑफ कोर्स मुझे याद है। मेरा नाम जॉनी, तेरे ऑफिस में काम करता हूँ, याद है? आई एम सॉरी, ये जॉनी मेरे साथ ऑफिस में। सीमा, हेलो। हेलो आई एम सीमा। हेलो सीमा, हाय। हाउ आर यू सीमा? कैसी हो जॉनी? जॉनी तुमको वो वर्मा साहब की फाइल वापस करनी थी ना। कब की वापस की मैंने? और वो स्वीटी स्वीटी शरबत का डिजाइन भी तो भेजना था ना। शरबत कल कर दूंगा ना, जल्दी क्या है इतनी। वो कोटक की फाइल, कोटक की फाइल दे दी ना मैंने 4 बजे। लेकिन वो मल्होत्रा साहब को देनी थी। जा कोटक मल्होत्रा को दे देगा ना? दे देगा। हाँ दे देगा, दे देगा कोटक मल्होत्रा को। जी मल्होत्रा को फाइल अभी देकर आओ, अभी दे देना इसी वक्त। ओके सी यू अगेन, नाइट बाय। तू चल ना मेरे साथ, जल्दी में है। मैं आपका वो रुमाल वापस करने आया था। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गई, पागल हूँ मैं। वो तो है।
क्या? मेरा मतलब ये भूलने की आदत बहुत बुरी है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा। रुमाल कहाँ है? है ना, तो दीजिए ना। ऑफ कोर्स, रुमाल आप ही का है, ये लीजिए। थैंक यू। आई एम सॉरी, वो मुझसे गिर गया था, मैं इसको धुलाकर वापस कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं धुलूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है कि कैरेक्टर और रुमाल एकदम साफ होना चाहिए। मैं साफ कर लूंगी, इसमें कोई बात नहीं। मेरी गलती है, मुझसे मिला हुआ है, मेरा फर्ज बनता है मैं ये साफ करा के आपको वापस दूं। अच्छा ठीक है ठीक है। और कुछ? ओके बाय बाय। वैसे मैं ये रुमाल को कल परसों तक धुलाकर सुखाकर इस्त्री करवाकर एकदम चकाचक नया बनाकर आपको वापस लौटा दूंगा। आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगे? क्या क्या कहा आपने? आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगे? ऐसे ही क्या? ओके। तुम बहुत बड़े बनना चाहते हो। बहुत ही बड़ा, और बहुत सारे ख्वाब भी हैं मेरे। वैसे मैं ही क्यों, इस सड़क पर हर चलने वाला कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है, नहीं? हाँ। तुम जानते हो मैं कहाँ पहुंचना चाहती हूँ? कहाँ? वहाँ, गैलेक्सी टावर। बाप रे, कहते हैं यहाँ पर एक एक फ्लैट 1-1 करोड़ रुपए का होता है। मैं वहाँ पर एक बड़ा सा घर चाहती हूँ। अच्छा, फर्ज करो तुमको ये सब नहीं मिलता, फिर? तो मैं उससे शादी करूंगी जिसके पास ये सब कुछ हो। अच्छा, फर्ज करो ऐसा होगा नहीं, मगर ऐसा हो जाए कि इस बीच में कोई आम नौकरी पेशा सीधे साधे लड़के से तुमको प्यार हो जाए। जस्ट अ थॉट। नहीं, नामुमकिन है। दो कमजोर इंसान एक कामयाब जिंदगी नहीं बना सकते। तुम्हें क्या हो गया? तुम बहुत ही फ्रैंक हो। कितनी सच्चाई की बात इतनी आसानी से कह दो। राहुल, अपने आप को सुखी देखने का सपना देखना कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या मेरा सपना सच होगा? अरे टाइम क्या है? टाइम टाइम तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 7:30 बजे हैं। 7:30? आज आज दिन कौन सा है? सोमवार है। पूनम की रात है? हाँ। पूनम की रात को 7:30 बजे सोमवार को इस सड़क पर सच्चे दिल से जो मांगा जाएगा वो मिलेगा। किसने कहा है? मैंने कहा है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम वीनस फैशन शो के नाम। यस बॉस। अरे बलून से ऐसे निकलती है जैसे सलून में जाके आई हो। 4 पॉइंट्स दे दूं? अरे कितने भी दे, अब अपना शो हिट है। ओह दैट्स वेरी नाइस। हाय सिस्टर। भूषण, इन्हें इंटरव्यू लेना है। सिद्धार्थ कहाँ? होगा कहीं मॉडल्स के पीछे। भूषण, कितने पॉइंट्स दूं? इसको पॉइंट्स नहीं, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। मर्सिडीज? देखना है? एक दिन मैं इसके लिए मर्सिडीज की लाइन लगा दूंगा। अरे तू मर्सिडीज जब खरीदेगा और राहुल, मुझे ये लड़की चाहिए। मुझे भी
यस बॉस, मैं भी बॉस यही सोच रहा था कि इस लड़की को जल्दी से अपनी एड कैंपेन के लिए साइन कर लेना चाहिए। बॉस शी इज वेरी, राहुल तुम जानते हो मैं सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसी है ये? बहुत अच्छी है बॉस। इज वेरी नाइस। राहुल वहां क्या देख रहे हो? यू नो योर जॉब। यस बॉस। फास्ट, आई वांट दिस गर्ल। मिस्टर बख्शी, ए जॉनी, तू समझता क्यों नहीं, तू समझता क्यों नहीं कि जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई। अच्छा, और उसमें भी बॉस ने अपनी टांग अड़ा दी। ए शाने, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? हैं? तेरी एजेंसी, तेरी ऑफिस, तेरा सपना कौन पूरा कर सकता है? कौन? बॉस। बॉस, सिर्फ तेरा बॉस, समझा? तू सिर्फ इतना सोच ले कि तुझे क्या चाहिए, लड़की या ऑफिस। जॉनी, मैं तो मुंबई में एक ही सपना लेकर आया था कि पैसा कमाऊंगा, दौलत कमाऊंगा, अपना एक ऑफिस बनाऊंगा यार। तो फिर जाना, अपने ऑफिस का सपना पूरा करना। जा जा, तू जाके इसे बोल दे कि बॉस ने तुझे एक नए एड के लिए साइन किया है, बुला ले उसे शूटिंग पर। हे जॉनी, क्या दोनों नहीं मिल सकते? जा चल, जा या। ओके। एक बार बोला ना, वो अंदर नहीं जाने का है तो नहीं जाने का है। बहादुर, मेरे को अंदर नहीं जाने का है, मेरे को सिर्फ एक मैसेज देने का है। देखो, इतनी रात को सोकरे लोग को मसाज देने का नहीं। अरे मैं तेरे को मसाज वाला लगता हूँ? मसाज नहीं, मैसेज, संदेश। देखो, मसाज का है मेरे को मालूम। जितना भी सोकरा लोग है सब आके मेरे को मसाज देता है, मैं अंदर जाके पर्सनली सोकरे लोग को मसाज देता है। देखो 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 देखो, आज का इतना मसाज अभी जाके देने का है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, अभी तू बैठ 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 जा यहाँ पे। देखो देखो, मेरे को पटाने का नहीं है। नहीं नहीं पटाऊंगा नहीं, मसाज तो, मैसेज तो दे सकता हूँ ना। हाँ लाइक पेपर दे मुझे। अभी पेपर भी मैं दूँ, मसाज भी मैं दूँ। अच्छा रहने दे, मैं खुद ढूंढ लूंगा। चल अभी घूम जा, तू अंदर जाएगा तो ये पकड़ के बैठ। पकड़ पकड़ घूम। अरे हिलता काहे को है? गुदगुदी होता है। अभी एक मिनट सीधा बैठ, बस एक मिनट, हर एक मिनट, बस बस हो गया हो गया। अभी ला, अब ये सीमा मेम साहब को दे देना। क्या बोलूं, कौन दिया? रुमाल देखेगी ना, समझ जाएगी। ओ ऐसा था, ये रुमाल कोड वर्ड है। कोड वर्ड था। मैडम लीजिए आपका ड्रेस। ये क्या है? आपका ड्रेस। बाकी कहाँ है? यही तो है। मगर मुझे तो कहा था कि रेडीमेड कपड़ों की ऐड है। ओ यही तो है रेडीमेड प्रोडक्ट, भीनी भीनी बिकनी। ओ आज किनारे कल तक इसे पहनने से पानी पानी हो जाती थी, भीनी भीनी बिकनी जापानी, तंग तंग, कम ऑन चलिए पहनी से। व्हाट नॉनसेंस, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती? व्हाई? जब मैं सोना पहन सकती हूँ, आई एम सॉरी, जब मैं सोना पहन सकती है, मोना पहन सकती है, हाय मोना हाउ आर यू, गॉड ब्लेस यू, जब मैं दोनों पहन सकती हैं तो आप क्यों नहीं? क्या इंसान नहीं है? क्या इनके सीने में दिल नहीं है? आप समझते क्यों नहीं? आप नहीं समझती है मैडम। देखिए, कपड़े जितने छोटे होते हैं कामयाबी उतनी ही बड़ी होती है। मैं नहीं पहनूंगी, अपने प्रोड्यूसर को बुलाइए। देखिए मैडम, ये कपड़े अगर आप नहीं पहनेंगे तो बहुत नुकसान होगा, मुझे पहनने पड़ेंगे। इवन आई डोंट लाइक एक्सपोजिंग। अब मैं नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। रुकिए, आपको पैसे ज्यादा चाहिए ना? मिल जाएंगे। ये पैसे की बात नहीं है, मैं पैसे। स्टॉप दिस नॉनसेंस। कौन है? ये क्या तमाशा हो रहा है वहां पर? बंद करो ये बकवास। ये अंधेरे में कौन बोल रहा है? तो आप सुन लो, जो इस कंपनी में औरत की इज्जत नहीं करता वो इस कंपनी के लायक नहीं है। औरत का जिस्म कोई नुमाइश की चीज नहीं है, और तुम्हें पता होना चाहिए हम यहां पर एक एड फिल्म बना रहे हैं, कोई ब्लू फिल्म नहीं। ब्लू फिल्म? ब्लू फिल्म मैंने कभी देखी नहीं सर। शट अप, शट अप। पर बिकनी तो हमारी फिल्म का प्रोडक्ट है सर। जानता हूं मैं, प्रोडक्ट बदल भी सकता है पर मॉडल नहीं। आइंदा औरतों की खूबसूरती की इज्जत करना सीखो, समझे? जी। फिल्म में सिर्फ सीमा ही रहेगी। पैक अप, आई सेड पैक अप। सुना नहीं आप लोगों ने? I'm sorry, सीमा, इस माहौल में हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे।
देखिए, मेरी वजह से आपका मूड खराब हुआ। आई एम सॉरी सर। सर नहीं, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ चौधरी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी झिझक को। Why don't you come tomorrow? हम कल नए मूड में अच्छा काम करेंगे। कल मैं नहीं आ सकती सर। कोई खास वजह? वजह थोड़ी सी पर्सनल है। कोई बात नहीं, जब तुम्हें पर्सनल कामों से फुर्सत मिल जाए तब शूटिंग कर लेंगे। ओके, अब मैं जाऊं। सुनो सीमा, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बॉस, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। मैंने जैसा समझाया आपने तो उससे भी अच्छा बोला बॉस। इट वॉज वेरी गुड। अच्छा था ना? बहुत अच्छा था बॉस। बॉस अब तो आप समझ लीजिए कि आपका 90% काम हो गया। थैंक यू। ये परफॉर्मेंस वगैरह तो ठीक थी, मगर ये पर्सनल बात क्या हो सकती है इसकी? कहीं इसका किसी और के साथ? नो बॉस, नॉट एट ऑल। ये देखिए ना, इस बायोडेटा में लिखा हुआ है कि कल 25 तारीख को उसका हैप्पी बर्थडे है। राइट, यस। और अब प्लान नंबर दो, अ हैप्पी बर्थडे पार्टी। बॉस मेरे पास एक इतना कमाल का आइडिया है कि थोड़े पैसे मिलेंगे बॉस। हाँ, इस पॉकेट में बॉस, दिस वन। पहने दीजिए ना, बाकी बचेंगे तो वापस करूंगा। आई विल रिटर्न देम। ओह माय गॉड, इतने खूबसूरत फूल, आर दे लवली। और ये देख, राहुल, ये सब क्या है? फूल, फ्लावर्स, पुष्प सिद्धार्थ साहब ने भेजे हैं आपके लिए। लेकिन उनको कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे है? सिद्धार्थ साहब को जो लोग पसंद आते हैं वो उनके बारे में सब कुछ मालूम कर लेते हैं। और हाँ, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भी भेजा। वन मिनट, ये वो। ये देखिए, नजर की इस सीमा से उस सीमा तक सिर्फ तुम ही तुम हो सीमा। हैप्पी बर्थडे। ये उन्होंने लिखा है? मैंने लिखा। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली सिद्धार्थ साहब के बिजनेसमैन वाले दिल में कहीं छुपकर कोई कोने में एक शायर भी बैठा है। सीमा, ये छोटा सा फूल मेरी तरफ से। सीमा, हाँ? सीमा, तुम्हारे लिए फोन है सिद्धार्थ साहब का। सिद्धार्थ साहब का फोन है? तुम्हारे लिए सिद्धार्थ साहब का फोन है, ये पकड़। हेलो। हैप्पी बर्थडे सीमा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। यस, आपके लिए। दिस फॉर मी? ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शाबजी, तुम शाला बहुत चालू आदमी है। तुम मसाज किसी और को देता है और चूमा किसी और से लेता है। Thank you.
मान गए सर, लड़की हासिल करना तो कोई आपसे सीखे। नहीं शुक्ला, नहीं, इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। ये लड़की मिडिल क्लास की है ना? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप जानते हैं कि लड़की एम्बिशियस है, नाम और शोहरत कमाना चाहती है। You're right, शुक्ला, और उसका ये सपना मेरे अलावा कौन पूरा कर सकता है? Yes, you're right. शुक्ला मैं जा रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर मेरी उसकी मीटिंग है। Bye bye. Take care. All the best, sir. You are a lucky man. Luck नहीं शुक्ला, इसे हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है शुक्ला जी? Morning, sir. सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाओ, एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। सर इस वक्त? एनी प्रॉब्लम? सर मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स थी वो। तो कैंसिल कर दो, बड़े पापा रोज रोज थोड़ी ऑफिस में आते हैं, राइट पापा? ठीक है सर, मैं सब कुछ अरेंज करके वापस आता हूँ, आप बैठिए। गुड। सिद्धार्थ यू वेस्टिंग टाइम। देखो भूषण, आई लव टू सी यू इन ट्रबल, जल्दी बड़े पापा को टाइम नहीं है। भूषण जी पापा। हेलो, मैं आ गया। तुम? आई एम सॉरी आई एम लेट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी मैडम, नौकरी, पापी पेट, यू नो हाउ इट इज, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ साहब कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं, और आप जैसी ब्यूटी की ड्यूटी करने के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया है। योर सिंसियरली। क्या आप बता सकते हैं कि वो कब आएंगे? वो अभी आते ही होंगे, तब तक मैं हूँ ना। देखो तुम मेरा मूड और खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में है। मैं समझ गया, गुस्से में। ठीक है, मैं आपका मूड और खराब नहीं करता, मैं हिसाब कर लेता हूँ। वो क्या है सीमा, आदमी रोज का रोज हिसाब करता रहे ना, तो पैसों की बहुत बचत हो जाती है। यू नो, 100 रुपए के पॉपकॉर्न, 400 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए के फूल। एक मिनट। हाँ, 200 रुपए के फूल? हाँ। ये सड़े हुए फूल? हाँ। अच्छा लूट रहे हो अपने बॉस को। मैडम मैडम मैडम, इन सब चीजों का रेट कार्ड है मेरे पास, और मेरे दाम बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ये देखिए मेरा रेट कार्ड, ये 200 रुपए फूलों के, 100 रुपए लड़की के साथ आधा घंटा घूमने के, 10 रुपए लड़की का हाथ पकड़ने के, और 100 रुपए लड़की की ब्यूटी की झूठी तारीफ करने के। और अगर इन सबका बिल 500 रुपए से ज्यादा हो जाए तो एक किस फ्री आपको यहीं पर दूं कि बांध के दूं? देखो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये घटिया सर्विस। कोई बात नहीं, मेरे पास कंप्लेंट बुक भी है, आप अपनी शिकायत इसमें दर्ज कर सकती हैं। यहाँ प्लीज राइट, लिखे लिखे राइट। मैं जा रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठे रहो। But I like your company. I don't care. अरे अरे रुके दो, अरे सुनिए तो। कह देना मैं चली गई। मैडम, अरे आइसक्रीम तो खा। मंजर ये साहिल और समंदर, कहते हैं आप न जाएं,
हम पर ये कर्म फरमाए। सुनिए तो कहती है बल खाती लहरें, आप जरा कुछ देर तो ठहरे। सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा, अरे कहिए तो ऐसी का जल्दी जाने की। लड़की के साथ गाना गाने के गुड तारा। सीमा प्लीज, सीमा सीमा सुनो तो सही, मुझे पता है मेरी गलती है, आई एम सॉरी। वो बात नहीं है सिद्धार्थ, हंसने हंसाने के लिए ठीक है राहुल की कंपनी, पर मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शादी के बाद भी तुम ऐसा ही करोगे? शादी नहीं, मेरा मतलब है, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, नेवर नेवर, नहीं नहीं, मेरा मतलब है आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा, इट्स अ प्रॉमिस। हाँ हेलो, हेलो, तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो ना। कल तुम ही आओगे ना? हाँ कल मीटिंग में मैं ही आऊंगा, मैं राहुल को नहीं भेजूंगा, ओके? सुनो, फोन रखने से पहले तुम कुछ फोन रखने से पहले तुम कुछ कहोगे नहीं? कुछ भी, समथिंग नाइस। क्यों नहीं क्यों नहीं, तुमसे नहीं कहूंगा तो फिर किससे कहूंगा? आई लव यू डार्लिंग, बाय। देखा ना फोन कट गया, ये बंबई की बरसात और टेलीफोन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब धोखा दे दे। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह मतलब? मैं तुम्हें खूबसूरत तो लगती हूँ ना? ऑफ कोर्स, बहुत खूबसूरत लगती हो। एक बात याद रखो सिद्धार्थ, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। जिस दिन ये नजर मुझसे हटकर कहीं और जा ठहरी तो उसका अंजाम जानते हो ना? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो डार्लिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझ पर? आई लव यू सो मच, और करीब आओ ना, आओ ना। सिद्धार्थ यहाँ पर गाड़ी रुकना प्लीज, एक मिनट। यहाँ क्यों? मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? यहाँ क्या शॉपिंग? मेरी फ्रेंड सूजी है ना, उसके लिए गिफ्ट लेना है। सीमा शॉपिंग तो कल भी हो सकती है। नहीं कल उसका बर्थडे है, फिर वक्त नहीं मिलेगा, प्लीज। सीमा हाँ जल्दी आना, बस दो मिनट, मैं अभी आई। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। सिद्धार्थ आप चलिए, मैं अभी आई। सीमा मेरे साथ है, मुझे लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। 3 बजे नहीं, एक काम करते हैं 8 बजे, ठीक 8 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ओके? हाय हाय शुक्ला जी, आई विल कॉल यू बैक।
तुम यहाँ कैसे? मैं तो शॉपिंग कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। ओह, तुम यहाँ कैसे? मैं भी यहाँ शॉपिंग करने आया था। शॉपिंग? किसके साथ? वो अपना है ना, क्या नाम है उसका, राहुल। ओह राहुल, अच्छा। ओके सिद्धार्थ, मैं चलती हूँ। आज घर जल्दी आना, आजकल तुम लेट आ रहे हो। ओह आई एम सो सॉरी अबाउट इट। आज मैं ठीक 8 बजे घर आ जाऊंगा। और डार्लिंग, आज तुम और मैं साथ में डिनर पे भी बाहर जाएंगे, ठीक है? ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। कफलिंग्स, अच्छे पसंद आए? अच्छे हैं, मगर इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, सिर्फ कफलिंग्स। हेलो, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? कम ऑन, लेट्स गो। एक मिनट सीमा। सीमा, इनसे मिलो, ये मेरी बीवी है। डार्लिंग, ये सीमा है। सीमा, तुमने तो कहा था तुम राहुल के साथ आए हो। राहुल? हाँ, राहुल ही के तो साथ आया हूँ। ये राहुल की वाइफ है। क्या? राहुल की बीवी? राहुल ने कब शादी कर ली? देखो ना डार्लिंग, यही तो, उसने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और शादी के 2 दिन के अंदर इन दोनों का झगड़ा भी हो गया। मैं इन दोनों का पैचअप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल कहाँ है? वो अंदर होगा, शॉपिंग कर रहा है। अच्छा, एनीवे, आई एम सरप्राइज्ड, डोंट बी लेट। डार्लिंग, 8 बजे डिनर। चीमा, चीमा मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। लेकिन बॉस, आपने भाभी से ये क्यों कह दिया कि सीमा मेरी बीवी है? अब आप देखिए इसकी। मैं क्या करता राहुल? एक दिन पहले ही शीला ने मुझ पर शक किया, मुझे धमकी दी, और अचानक जब वो मेरे सामने आई तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं राहुल। मेरे जहन में जो कुछ भी आया मैंने उसे कह दिया। गलती से मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया राहुल, अब मैं क्या करूं? देखिए बॉस, हाँ, आपने जो ये कर दिया है उसकी वजह से जो, देखो राहुल, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो तुम जाकर सीमा को समझाओ राहुल, उसे समझाओ तुम, उसे कहो कि मुझे एक बार मिले, बस फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा राहुल। बॉस, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बॉस, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ बॉस, लेकिन अब इसमें भाभी जी, सीमा, ये बॉस, इस प्लीज इस झमेले से मुझे दूर रखिए बॉस, प्लीज प्लीज बॉस। अब झमेला तुम नहीं कर सकते हो ना, मत करो। तुम सही कह रहे थे राहुल, मुझे शीला को जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा राहुल, क्या हो जाएगा? बॉस, ये रुतबा खत्म हो जाएगा ना। बॉस, ये क्या कर रहे हैं? अरे बॉस, हो जाने दो। बॉस, क्या कर रहे हैं? और मिल जाएगा ये सब कुछ। बॉस, ये कैसे बताएं? कारोबार खत्म हो जाएगा ना। अरे बॉस, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी ना। शांत, हां, ये एचआर खत्म हो जाएंगे ना, और ये सारा ऑफिस खत्म हो जाएगा ना। कंट्रोलिंग, हो जाने दो बॉस। अरे बॉस, हो जाने दो इसे खत्म, हो जाने दो बॉस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब गुस्सा मत होइए, मैं कहीं का नहीं रहूंगा ना। मैं कहीं का नहीं रहूंगा ना बॉस। रुकिए बॉस, सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, सब कुछ तोड़ दूंगा मैं राहुल। और तुम्हारा ये सपना तुम्हारा, ये एड एजेंसी, ये सपना जो हमने साथ में देखा था बॉस, जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो इसे भी खत्म हो जाने दो प्लीज। इसकी क्या जरूरत है? बस मैं तोड़ दूंगा इसे, खत्म हो जाने दो। बस नहीं बस, नहीं बस, नहीं बस, बस नहीं। हट जाओ राहुल, मैं इसे तोड़ दूंगा प्लीज। बस नहीं बस, राहुल हट जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, हट जाओ तुम। नहीं बस, नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा बस, बस प्लीज। आप गुस्सा मत होइए बस, प्लीज ये छोड़ दीजिए बस, प्लीज छोड़ दीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, बस मैं हूं ना। आप रिलैक्स कीजिए, आप यहाँ बैठिए, बिल्कुल घबराइए मत बस, मैं हूं ना, मैं सीमा से बात करूंगा बस, मैं सीमा से बात करूंगा ना बस। आप गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए राहुल। हाँ बस, कुछ पैसे चाहिए तुम्हें? बस पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप ये रखिए प्लीज। मैं सीमा शुक्ला साहब, आप बस यू जस्ट रिलैक्स, हम खराब ऐसे ही राहुल।
यस यस बॉस। थैंक यू वेरी मच। यस बॉस। थैंक यू। इजी। एक्सेलेंट। टू गुड सर, टू गुड। मान गए आपको, टेरिफिक। देखा ना आपने शुक्ला साहब, ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। इस दुनिया में अगर तुम सच धीरे से बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, और अगर झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो सब मान जाते हैं। पॉइंट इज नोटेड सर। नहीं मिलना है मुझे, नहीं मिलना है। और तुमने भी मुझे धोखा दिया है राहुल। कितने पैसे दिए थे तुम्हारे सिद्धार्थ साहब ने तुम्हें चुप रहने के लिए? नहीं सीमा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो क्या है कि सिद्धार्थ साहब ने सिद्धार्थ साहब मत लो उनका नाम। सीमा एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम यहाँ से चले जाओ राहुल, मैं कहती हूँ तुम चले जाओ। सीमा मैं चला जाऊंगा, बस मुझे कुछ नहीं सुन। ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं राहुल, तुम्हें लग गया ना? नहीं ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं राहुल, खून निकल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। I'm sorry राहुल, I'm really sorry। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। I'm really sorry राहुल। सीमा मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। Actually तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। लेकिन राहुल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो बेहतर यही होगा कि तुम एक बार सिद्धार्थ साहब से मिल लो। It'll be nice। क्यों मिलूं मैं एक और झूठ सुनने के लिए? देखो सीमा, जिंदगी की हर बात सिर्फ सच या झूठ नहीं होती। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कभी कभी हमको ऐसी चीजें करने पर मजबूर कर देती जिससे किसी ना किसी को ठेस पहुंचती है। हम सब अधूरे हैं सीमा। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बार सिद्धार्थ साहब से मिलो, उनको अपनी बात समझाने का मौका दे दो बस। उसके बाद जो तुम्हारा दिल फैसला करे वही करना। मगर मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया सीमा। धोखा नहीं दिया? तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीमा अगर मैं तुम्हें बता देता कि मेरी शादी हो चुकी है तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? नहीं, कभी नहीं। देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि सीमा हाँ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता सीमा। नहीं सिद्धार्थ, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं किसी और का घर तोड़कर अपना घर बसाऊंगी? कभी नहीं, ये गुनाह है, गुनाह। नहीं सीमा, नहीं, ये गुनाह नहीं है। तुम मेरे टूटे हुए घर को और क्या तोड़ोगी? हाँ, शीला से मेरी शादी एक बहुत बड़ी भूल थी, गलती थी मेरी, लेकिन अब बहुत ही जल्द मैं उसे तलाक देने वाला हूँ। हाँ सीमा, ये सच है। झूठ, एक और झूठ। देखो मेरी आंखों में, देखो इनमें, क्या तुम्हें इनमें सच्चाई नजर नहीं आ रही? बोलो सीमा। नहीं सिद्धार्थ। आओ मेरे साथ सीमा। ये तो मुझे कहां ले आए हो सिद्धार्थ? सच्चाई जानना चाहती हो ना तुम? ये है सच्चाई। वो औरत नजर आ रही है? वो है शीला, मेरी बीवी। और वो आदमी नजर आ रहा है, वो जो सीना तान कर चल रहा है, वो है मेरी बीवी का आशिक। ये है मेरी शादीशुदा जिंदगी की असलियत। देखो देखो क्या क्या हो रहा है वहां पर। देखो सीमा, खुद अपनी आंखों से देखो। बस और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, मैं पागल हो जाऊंगा सीमा, मैं पागल हो जाऊंगा। सीमा चलो यहां से, प्लीज चलो यहां से। सिद्धार्थ
कौन है आप? क्या आप जॉली नहीं है? नहीं। Oh, I'm so sorry. Sorry. Don't touch me. Excuse me, sorry, ma'am. Shut up. Very sorry. Sorry, ma'am. बेवकूफ कहीं के। क्या जरा? You are right, sir. Okay. सीमा, अगर अब भी तुम मेरी शादी को शादी समझती हो और हमारे प्यार को एक गुनाह समझती हो तो ठीक है, जो भी तुम्हारा फैसला है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्ही से प्यार करता रहूंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सीमा, अब क्या उलझन है? सूजी वो शादी शुदा है, उसका घर टूट चुका है, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? फिर हाँ, मगर वो सीमा, सीमा वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें चाहता है, और वो तुमसे मांग ही क्या रहा है? बस सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत, ताकि वो अपनी बीवी को तलाक दे सके, बस। सीमा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे एक मौका और देती। हाँ, भेज दिया ना, भेज दिया ना सीमा को बॉस के पास। अरे तू जानता था कि वो उसको समझा लेगा, अपनी बातों से पटा लेगा, लेकिन तेरे को शर्म नहीं आई? मेरे को बहुत शर्म आई, बहुत शर्म आई मेरे को। लेकिन तेरे को कैसे आती? तेरे को तो वो पैसा कमाना है, कमीशन चाहिए, अपना ऑफिस चाहिए, फिर माँ का ऑपरेशन भी कराना है ना, लेकिन उस सीमा का क्या, उस सीमा का क्या, क्या क्या सीमा का, हाँ सीमा का क्या, क्या सीमा का? अरे उसको भी तो बड़ा बनना था, पैसा कमाना था, वो मर्सिडीज गाड़ी चलाना था, तो मैं क्या करूंगा इसमें, हा? और देख भाई, मैं तेरे को भी बताता हूं कि तू भी चुपचाप कहता जा, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सीमा जैसी एम्बिशियस लड़की ने राहुल के साथ कैसे शादी कर ली। हाँ, ताजुब तो मुझे भी हुआ, लेकिन लेकिन प्यार, डार्लिंग तुम तो जानती हो प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है हमें उन्हें शादी का तोहफा देना चाहिए। ग्रेट, फैंटास्टिक आइडिया। डार्लिंग मैं काम करता हूँ कि मैं कल ही किसी के हाथ से उनके घर पर एक अच्छा सा तोहफा भिजवा देता हूँ, है ना? नहीं, हम खुद ही उनके घर चलेंगे और उन्हें तोहफा देंगे। उनके घर? हम? डार्लिंग, हम उनके घर जाएंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर तुम तो ठीक है, हम कल ही उनके घर चलेंगे। ठीक है। क्या सिद्धार्थ, नहीं प्लीज, ये क्या मजाक है? अब तुम्हारी बीवी को खुश करने के लिए हम दोनों को मियाँ बीवी का नाटक करना पड़ेगा? कम ऑन सीमा, समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक दिन की तो बात है। सिद्धार्थ, बात एक दिन या दो दिन की नहीं है, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ। सीमा, सीमा, you're not even trying to understand. देखो सीमा, मैं अपनी बीवी से वादा कर चुका हूँ। आइडिया बॉस, आप शीला भाभी से ये क्यों नहीं कह देते कि हम दोनों हनीमून पर गए? राहुल, बैड आइडिया बॉस। सीमा, सीमा तुम क्या चाहती हो, कि मेरी बीवी हमेशा मुझ पर शक करती रहे? हाँ, मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती, अब मैं क्या करूं, सूली पर चढ़ जाऊं, अपने आप को कोड़े मारूं मैं? यस बॉस। व्हाट? नो 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 बॉस, नो बॉस, मेरा मतलब यस कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस, कोड़े लगे आपके दुश्मनों को बॉस, आप बस ये बताइए कि हमें क्या करना होगा। देखो सीमा, सीमा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं और शीला तुम दोनों के घर पे डिनर पर आएंगे। डिनर बॉस? हाँ हाँ, डिनर। ऑलराइट। और हम दोनों तुम दोनों को एक छोटा सा तोहफा देंगे। छोटा सा बॉस? राहुल, ओके, एज यू विश। और तुम दोनों को एक सुखी परिवार का ड्रामा करना है, बस और कुछ नहीं करना है, समझ रही हो ना? एक्सक्यूज मी बॉस, एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है बॉस कि मेरा घर किसी भी एंगल से एक शादीशुदा जोड़े का घर नहीं लगता है, कुमारे का लगता है, यू नो आई एम सिंगल। तो राहुल जाओ, अपने घर को सजाओ, जाओ बॉस, लेकिन एक शादीशुदा जोड़े का घर लगने के लिए एक डबल बेड तो होना चाहिए ना। ओह राहुल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे नहीं सीमा, मैं
एक्सक्यूज मी, सीमा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको। और बॉस मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथों सोफा चादर पर्दे और एक वॉशिंग मशीन भी ले ही डालूं मैं। ठीक, जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट, सीमा से अकेले मैं बात करना चाहता हूँ। सीमा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सब कुछ कहते हुए, लेकिन क्या करूं, हमारे भविष्य का सवाल है। सिर्फ दो घंटों की तो बात है सीमा, पहली और आखिरी बार प्लीज प्लीज। राहुल। हाँ बॉस, यहीं पे। बॉस मैं सोच रहा था कि घर की पेंटिंग भी तुमको तो रहने दीजिए, जाने दीजिए। क्या सीमा, तुम राहुल के साथ जाओ। राहुल जल्दी। यस बॉस। राहुल जल्दी। हाँ बॉस। शीला जी, अ रोज फॉर अ रोज। थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा घर? अच्छा है। थैंक यू। राहुल, मैं सिद्धार्थ से हमेशा कहती हूँ, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के हो। बचपन से ही। लेकिन तुम्हारी एक आदत मुझे पसंद नहीं है। क्या भाभी जी? तुम छुपाते बहुत हो। क्या मतलब? यही, तुमने शादी कर ली और हमें पता भी नहीं चला। अरे हमको भी कहाँ पता था। क्या? मेरा मतलब भाभी जी, ये सब इतना जल्दी में हुआ ना, ना शादी, ना बाराती, ना खैराती। काफी अच्छा सजाया तुमने अपना छोटा सा घर। और वो भी इतने कम टाइम में। मतलब? आपने ये देखा, ये पेंटिंग माधुरी दीक्षित बाय एम एफ हुसैन, सीमा ने नकल बनाई है। सीमा करती है ये सब। सीमा पेंटिंग भी करती है? हाँ, ये पूरा घर भी उसी ने पेंट किया है। पेंट किया है? फिर जोकिंग राहुल। जोकिंग। कहाँ है तुम्हारी सीमा? अंदर तैयार हो रही है, मैं भी लेकर आता हूँ, आप इंतजार कीजिए। पेंटिंग देखिए। ओके। सीमा, मेरे कपड़े ठीक है ना? राहुल, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा ना? राहुल। सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक लग रही हूँ ना? सीमा, तुम इन बीवी वाले कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। आई मीन एकदम 100% प्योर इंडियन देसी घी से बनाई हुई बीवी। सच कह रहा हूं। नॉट बैड। हाँ, अरे बॉस, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा वो रायता देना प्लीज। रायता खाइए, कोफ्ता खाइए बॉस, सब माल आप ही का है। तो आप लोग हनीमून के लिए कहाँ गए थे? हनीमून पे हम लोग गए थे। वो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बॉस? यार हनीमून तो तुम दोनों का था, मुझे कैसे पता होगा? सब का हनीमून तो हमारा था। मैं तो बहुत जाना चाह रहा था शीला जी, लेकिन बॉस ने काम के लिए रोक लिया। और वैसे भी हनीमून पे जाके हम करते क्या? क्या? मेरा मतलब सीमा हनीमून पे अकेले जाकर करती क्या? नहीं सीमा। ओह, तो सीमा शादी के बाद मॉडलिंग छोड़ दोगी? मॉडलिंग तो मॉडलिंग क्यों छोड़ेगी, मॉडलिंग जारी रहेगी। है ना बॉस? हाँ हाँ, जारी रखेगी, मॉडलिंग क्यों छोड़ेगी? After all, career is career, you see. बॉस ने कह दिया, बॉस डिस्कशन खत्म। आप कुछ लेती क्यों नहीं? अरे नहीं, इसमें तेल ज्यादा है, और वैसे भी हमें और एक पार्टी में जाना है, आजकल फिगर का ख्याल रखना पड़ता है ना। ओ कम ऑन डार्लिंग, थोड़ा सा ले लो ना, इसमें तेल कहाँ है? सिद्धार्थ। नो 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 बॉस, शीला जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खूबसूरत औरतों को वैसे भी अपनी फिगर मेंटेन करनी चाहिए। थैंक यू। शीला जी, वैसे आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं? तुम सिद्धार्थ से पूछ लो। बॉस को तो मॉडल्स बहुत पसंद है। अरे क्या हुआ बॉस? मैं मीठा लेकर आती हूँ। हाँ तुम मीठा लेकर आओ, मैं बॉस को पानी पिलाता हूँ। मीठा लेकर आओ, पानी पीजिए, पानी। एक्सक्यूज मी, नहीं दुल्हन है, मैं थोड़ा हेल्प करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी राहुल। बॉस घर में ही हूँ। राहुल
क्या हुआ डार्लिंग? उनके आते ही चलते हैं। कम मौन शीला, तुमने थोड़ा सा खा लिया होता तो क्या होता? ऊपर से तुमने ये भी कह दिया कि यहाँ से हम लोगों को किसी और पार्टी में जाना है। तुम्हें तो कहा था कि जल्दी निकलना है। सिद्धार्थ, आई थिंक यू आर इम्पॉसिबल। बस शीला, बहुत हो गया, अब मुझसे झगड़ा मत करो तुम। मुझे लगता है झगड़ा कर रहे हैं। शीला, शीला बैठ जाओ। शीला मेरी बात सुनो तुम। अरे आप लोग जा रहे हैं, थोड़ा मीठा तो खा के जाते ना। नहीं रहने दो, हम निकलते हैं। आई थिंक वी आर लेट नाउ। मैं पैक करवा देता हूँ। राहुल, गुड नाइट। सीमा डार्लिंग, वो जो गिफ्ट इनके लिए लाए थे वो। अरे हाँ, ये आप लोगों के लिए हमारी तरफ से शादी का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? अरे हाँ, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, हमारा भी तो कोई हक बनता है। बनता है, बनता है, जरूर बनता है बॉस। अब चलें। कितनी अच्छी जोड़ी है ना दोनों की। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सिद्धार्थ। क्यों, अब क्या हो गया? कितनी गलत बात है, तुमने उन लोगों के सामने मुझसे झगड़ा मोल लिया। क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, कि हमारी बनती ना हो? नहीं, ऐसी भी क्या बात है डार्लिंग, यू नो ना आई लव यू सो मच। यस यस यस, ये पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और सीमा, तुमने भी कमाल का नाटक किया। आई टेल यू वी वर बोथ ब्रिलियंट। सीमा सीमा सीमा। अरे तुम रो रही हो सीमा? देखो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आई एम वेरी सॉरी। हां नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप से परेशान हूं, किसको धोखा दे रही हूं मैं, अपने आप को। क्या मिलेगा ये झूठ, ये फरेब, क्यों किया ये सब? एक औरत होने के नाते शादी का नाटक कितना सस्ता लग रहा है। कितनी गिर गई हूं मैं। ये मेरा सपना नहीं था राहुल, ये मेरा सपना नहीं था। सीमा सीमा सीमा, क्यों अपने आप से इतने सवाल कर रही हो? क्यों? देखो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा सीमा, रो मत। एक बात बताओ, मैं अपनी खुद की जिंदगी के बहुत सारे सवाल समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात जान गया हूं कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ओके बाय। ओके बाय। राहुल, थैंक यू, बाय। क्या पता क्या हुआ।
घंटी बजी है कहीं दूर छन 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 कंगना बजा है कहीं दूर खन 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 हो चूड़ी बजी है कहीं दूर छन 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 कंगना बजा है कहीं दूर खन 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 ये तेरा गजरा ये तेरा गजरा लुटा दूं आज इस पे तन मन धन हो चूड़ी बजी है कहीं दूर छन 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 कंगना बजा है कहीं दूर खन 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 गिन तारे रात गुजारूं दिन दिन घर में तुझे पुकारूं गिन गिन तारे रात गुजारूं दिन दिन घर में तुझे पुकारूं गूंजती है पवन जैसे सन 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 हो चूड़ी बजी है कहीं दूर छन 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 कंगना बजा है कहीं दूर खन 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 जी एक्सेलेंट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थैंक यू टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट शॉट आर द लाइंस रेडी देयर हाय हाय आई विल जस्ट कीप दिस अरे 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 कहां जा रहे हो बहुत बिजी हो क्या अरे नहीं नहीं मैं तो ये वहां छोड़ने जा रहा था नाराज हो अपनी बीवी से मैं तो भूल ही गया था छोटा पहली बार ऐसी लड़की मिली है जो हद ही नहीं आ रही सर आप इतनी बड़ी एड फिल्म बना रहे हैं इतना सारा खर्चा कर रहे हैं मैं तो कहता हूँ इसे आउटडोर पे क्यों नहीं ले जाते 24 घंटे आपके साथ रहेगी नजर के सामने सर आपका काम हो जाएगा थैंक यू राहुल यस बॉस
हम सब लोग आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे हैं जी, उसकी तैयारियां करो। कल सवेरे की फ्लाइट से हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। बस मगर ये सब इतना अचानक? हाँ, बस अभी अभी पार्टी से बात हुई है। कम ऑन, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, हरी अप। यस बस, एक्सक्यूज मी। यस श्योर। सिद्धार्थ, आउटडोर शूटिंग? इट्स अ सरप्राइज। सोचा खुशी का मौका है, क्यों ना अच्छी जगह मनाए। बैठो। खुशी का मौका? क्या बात है डार्लिंग। एडवोकेट शुक्ला ने मेरे तलाक के कागजात कोर्ट में दे दिए हैं। मैंने बता दिया है। बस दो चार महीनों की बात है, फिर मैं आजाद। राहुल, क्या है? हद हो रही है जॉनी, हद हो रही है। पता नहीं मैं सीमा से ये सब छुपा क्यों रहा हूं। घर घर के खेल में तू सचमुच सीरियस हो गया है क्या? वो देख कितनी खुश है, वो देख। ये सब तू दे सकता है? दे सकता है? अरे उसे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसे सिद्धार्थ साहब जैसे अमीर आदमी का प्यार चाहिए, समझा? तू सिद्धार्थ साहब को जानता ही नहीं। तू नहीं जानता वो सीमा को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं। और तू जानते हुए भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है तू? चुपचाप अपनी एजेंसी के बारे में सोच। तेरी हैसियत ही क्या है? तू एक जोकर है, जोकर। तेरे होने से इन बड़े लोगों की बाजी तो बन जाएगी, लेकिन इनके बिना तेरे अकेले की कोई कीमत नहीं है, समझा? कोई कीमत नहीं है। अरे जॉनी। हाँ? शीला भाभी तो हमारे साथ आउटडोर में नहीं आ रही है ना? ये शीला भाभी कहां से आई बीच में? वहां देख। हाँ, अरे शीला भाभी क्यों नहीं आएंगी? जरूर आएगी ना वो, अगर उसे बुलाएंगे तो जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? अरे लेकिन उनको बुलाएंगे क्यों? क्यों? अरे भाई आउटडोर में शूटिंग है। हाँ आउटडोर में शूटिंग है ना, बॉस अकेले हैं। बॉस अकेले हैं और साथ में खूबसूरत मॉडल्स होंगी। हाँ खूबसूरत मॉडल्स अगर साथ में होंगे तो क्यों बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। चला गया गया गया, सुन लिया ना? सुन लिया होगा। तू मुझे जोकर कह रहा था ना, अब देख जोकर अगर बाजी बना सकता है तो जोकर बाजी बिगाड़ भी सकता है। चलो इससे कहो कि मुझे समुद्र के सामने वाला कमरा चाहिए। ओके, आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ द बुकिंग। स्विट्जरलैंड में समुद्र नहीं है सर। समंदर नहीं होगा? अरे नहीं होगा ओके, मगर ट्राई तो कर सकते हो। कोई भी चीज के लिए फट से ना बोल दो, इसलिए तुम लोग पीछे हो। सुनो यहां से हॉलीवुड कितनी दूर है? फिल्म सिटी नहीं पूछ रहा हूं, हॉलीवुड पूछ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपका रूम नंबर 503 503। सुनो मैं ये पूछ रहा था यहां से हॉलीवुड कितनी दूर है? आपके कमरे के बाजू में ही है। मेरे कमरे के बाजू में? कमरे में ही है हॉलीवुड। यस रियली, थैंक यू, बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय। अरे ये एक बात बताएंगे कि मिस सीमा, आई एम सॉरी, व्हिच इज मिस सीमा कपूर्स रूम? या शी जस्ट चेक्ड इन, शी इज इन रूम 1407। ओके, एंड व्हिच रूम इज मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी इन विद सी एच? या यू आर राइट, यू आर राइट, या ही जस्ट नेक्स्ट डोर, ही इज इन रूम नंबर 1408। राहुल, दोनों के रूम साथ साथ हैं। लफड़ा। हेलो, कौन? जो तुम्हें चाहता है। जो मुझे चाहता है वो इस वक्त क्या चाहता है? वो इस वक्त अंदर आना चाहता है। ये बीच का दरवाजा खोलो ना। नहीं नहीं अभी नहीं, इस वक्त बिल्कुल नहीं। खोलो ना, देखो मुझे पता है तुम दरवाजा खोल दोगी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं पांच तक गिनता हूँ, ठीक है? रेडी, एक, दो, तीन, चार। अच्छा मेन डोर से आ रही हो, कोई बात नहीं, आया मैं आया। हाय सरप्राइज। शीला तुम यहाँ? देखा कैसे पकड़ लिया।
पकड़ लिया? क्या पकड़ लिया, क्या बोल रही हो तुम? तू मुझे याद देखकर खुश नहीं हुए? खुश? हाँ, बहुत हुआ ना। ये लो ना, ये नहीं, ये 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 तुम्हारे लिए, तुम ले लो ना। थैंक्स। चलो अब जल्दी से भूषण को थैंक्स कह दो। भूषण को क्यों? अरे ये तो भूषण की आइडिया थी कि मैं यहाँ आऊँ और तुम्हें सरप्राइज दूँ। ओ, भूषण की आइडिया थी। थैंक यू वेरी मच। एनी टाइम, एनी टाइम। ये तो मैं ही तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, वरना सिद्धार्थ ये तो... क्या कह रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। डार्लिंग तुम अंदर आओ ना। हैव अ नाइस टाइम। यस, स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय। क्या सुपर टाइमिंग है यहाँ तुम्हारी। वेरी गुड। हाँ क्या मतलब? मेरा मतलब है ऐसे ही हम ऑफिस में बैठे थे और अचानक डिसाइड हुआ कि एक बहुत बड़ी फिल्म बनानी है, आउटडोर जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, और तुम दिल्ली में थी ना डार्लिंग, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मगर बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। बहुत खूबसूरत जगह है। है ना खूबसूरत? हमें अपने हनीमून के लिए यही आना चाहिए था। व्हाई नॉट डार्लिंग, ऑफ कोर्स आना चाहिए था ना। ओह बाय द वे, अपना हनीमून कपल कहाँ है? कौन सा हनीमून कपल? राहुल और सीमा। राहुल और सीमा? ओ, अपने राहुल और सीमा। हाँ। वो अपने कमरे में होंगे ना? अच्छा चलो उनके कमरे में। हाँ, चलो चलो मिलकर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ? तुम इतने लंबे सफर से आई हो, कितनी थकी हुई हो, व्हाई डोंट यू जस्ट फ्रेशन अप। हाँ? पहले मुंह हाथ धो लो। दो मिनट। हाँ? ओके। वानी 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 ये क्या कर रही हो? अरे बाथरूम जा रही हो? डार्लिंग बाथरूम यहाँ नहीं है, बाथरूम वहाँ है। हाउ क्यूट राहुल। राहुल मेरी जान बचा दे। सॉरी। कमॉन राहुल फोन उठाओ। ए फोन बज रहा है, देख फोन बज रहा है। दे बजने दे। लैला फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? अबे फोन उठा। अरे उठाता हूँ यार, चिल्लाता क्यों है? हेलो हेलो राहुल। हाँ यस बॉस। क्या यस बॉस, इतना वक्त क्यों लगा? अरे बॉस हम लोग यहाँ पे जरा हिसाब कर रहे थे। ठीक है सफाई बाद में देना। शीला यहाँ पहुँच गई है। यहाँ पे बॉस? हाँ यहाँ पर, और वो तुमसे और सीमा से मिलना चाहती है इसी वक्त। काम करो अपना सारा सामान लेकर सीमा के कमरे में पहुँचो फौरन। नहीं नहीं बॉस, हम जिस हालत में इस वक्त अभी तो नहीं आ सकेंगे। मैं देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जिस हालत में हो उस हालत में सीमा के कमरे में पहुँचो अभी। इट्स एन ऑर्डर राहुल, कम ऑन फास्ट फास्ट। चलना, एक दफे बाहर आए तो डर नहीं लगता है। चल। How are you? How are you? गर्मी है। Hot. Very hot. Hello. Hello. You too. Merry Christmas. क्या है? Oh yeah. ठीक लग रहा हूँ? The number is 629. Hi. मैं आ गया। राहुल तुम? वो भी सिर्फ तौलिए में? अब सिर्फ अंडरवे में तो नहीं आ सकता था ना? ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। राहुल तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, तुम मेरे सामने तौलिए में खड़े हो। चले जाओ यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ। अरे ये रहा सामान। तुम लोग अपना सामान भी ले आओ। ये मेरा सामान है, इनका सामान है, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं तुम जा रहा है यार। राहुल ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूं। अरे नहीं नहीं मैनेजर मैनेजर को मत बुलाओ, अब सब कुछ हमको ही मैनेज करना है। सीमा वो क्या है कि शीला भाभी यहाँ पर आ चुकी हैं। हाँ? और वो हमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हैं। क्या? हाँ, क्या? ये कमरा है। अरे बिल्कुल बाजू में। हेलो मे वी कम इन? कम इन। राहुल है, राहुल है, आओ ना डार्लिंग। वाओ वाओ। हेलो हेलो भाभी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कमाल है, अब तक बिस्तर में हो? वो बात क्या ना भाभी जी कि बॉस ने सुबह से कोई शूटिंग नहीं रखी, तो मैंने मेरा मतलब हमने सोचा कि मौके का फायदा उठा लें। क्यों डार्लिंग? देखो देखो
भाभी जी, I'm sorry, मैं उठकर आपका स्वागत नहीं कर सकता। मेरा मतलब, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कुछ पहना हुआ नहीं ना बॉस। तुमने कुछ पहना डालेंगे? नहीं? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस बस। नो प्रॉब्लम, हम बाद में मिलेंगे। ओके चले। राहुल। यस बॉस। तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जल्दी मेरे पास आ जाओ। हाँ, मैं आता हूँ ना बॉस, आप चलिए। ओके बाय। कम ऑन। बाय भाभी जी। बाय। मुझे माफ कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, मैंने कुछ पहना नहीं है। नहीं ना। स्टुपिड, तुम कुछ और नहीं कह सकते थे। अरे मैं क्या कहता, उस वक्त जो मुझे सूझा मैंने कह दिया। I'm sorry. तुम बाहर निकलो, बिस्तर से बाहर निकलो, मैं कहती हूँ बाहर निकलो। और तुमने मेरी ये नाइटी क्यों पहन रखी है? अरे तुम ही तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं बेशर्म हूँ, जाओ कपड़े बदल कर आओ, तो मैंने पहन ली। और बाय द वे, इसमें मैं लगता कैसा हूँ? निहायत ही बकवास। तो उतार दूँ? नहीं, स्टुपिड। सर, हमें एक ऐसे लोकेशन की जरूरत है कि हम लोग जहाँ भी कैमरा रखे वहाँ से एक खूबसूरत नजारा दिखाई देना। क्या रूप है, क्या फिगर है, एक्सीलेंट, सुपर। सर, एक्सक्यूज मी मैम, आप मेरे साथ एडवर्टाइजिंग फिल्म में काम करेंगी? मैं? सर ये भाभी है, भाभी। मैंने कब कहा मेरी बीवी है यार। व्हाट अ फिगर, आप मेरे साथ इंडिया चलेंगी? सर What? ये सिद्धार्थ साहब की बीवी है। सॉल है यार। भाभी, भाभी आपकी तारीफ। ये माधव आडवाणी, डायरेक्टर है अपनी कंपनी के। M.A.D. मैड। वो तो शक्ल से ही लगते हैं। नहीं नहीं है ही। मैं इनकी तरफ से माफी चाहता हूँ भाभी जी। वो क्या है, आपको देख के इनको मेरी मम्मी याद आ गई मुझे। माय मम्मी, माय मॉम। वो भी अपनी जवानी में इसी तरह स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर स्विमिंग किया करते थे। मम्मी मम्मी मामा। चलिए सर, मम्मी चलिए चलिए। इडियट। ये लो अब टीवी की आवाज भी खराब हो गई। ना हीरो बोल रहा है ना हीरोइन बोल रही है। चलो दोनों के लिए मैं ही बोल देता हूँ। हेलो रीटा, कैसी हो? राजू, मैं तुम्हारे प्यार में मछली बन चुकी हूँ। नहीं रीटा, मछली मत बनो, मुझे तैरना नहीं आता, पर मैं ऑलरेडी मछली बन चुकी हूँ, प्लीज तैरना सीखो। राहुल, लड़कियां ऐसे डायलॉग नहीं बोलती। अच्छा फिर कैसे बोलती है? तुमको बोलना आता है, तुम बेटर बोल सकती। बोलो। तुमसे तो अच्छा बोली लूंगी मैं। अच्छा देख लेते हैं, मैं लड़के के डायलॉग बोलता हूँ, तुम लड़की के डायलॉग बोलो। ओके बोलो बोलो। मैं तुम्हारा फ्राइडे से इंतजार कर रही हूँ। क्या करूँ डार्लिंग, मेरी घड़ी रुक गई थी। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बातें नहीं बना रहा हूँ डार्लिंग, सोचता हूँ ये शाम यहीं पर रुक जाए, वक्त यूं ही थम जाए। ये क्या कर रहे हो? ना ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? अब बस, और नहीं डार्लिंग। अरे नहीं, थोड़ा सा और करते हैं ना, कितना मजा आ रहा है। हाँ, मजा तो आ रहा है, लेकिन देखो अगर मजा तुम्हें भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है अंदर? शादीशुदा है सिद्धार्थ। एक मिनट, अंदर जाकर आता हूँ। अरे हनीमून पे आए, क्या कर रहे हो? हनीमून पे आए तो फिर शूटिंग का क्या होगा? शूटिंग होती रहेगी। अरे सवेरे 7 बजे की शूट। चलो मेरे साथ, कम ऑन। लोकेशन पर राहुल, अब ये सब नहीं। हाँ अरे जब हो रहा है तो कंट्रोल मत करो, अपने आप को सीमा करती रहो। गुड, वेरी गुड। लगी रहो लगी रहो लगी रहो के बच्चे मैं दिखाता हूँ। डार्लिंग सुनो, उनकी आवाजें यहाँ तक आ रही है। वो तो मुझे भी सुनाई दे रही है, मैं बहरा नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हारी नशीली आंखें, तुम्हारी नुकीली नाक, तुम्हारे रसीले होंठ, तुम्हारी सुराईदार गर्दन। सिद्धार्थ, इनकी बातें सुनकर मुझे तो कुछ कुछ हो रहा है। मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। सच सच? बहुत दिनों के बाद तुम्हें आज कुछ हो रहा है। तुम बैठो ना, पैर ऊपर रखो, रिलैक्स ना डालेंगे। अच्छा, कहीं मत जाना। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगी। आंखें तो बंद करो ना, मूड चेंज मत करना। मजा आया ना? यस बॉस। सीमा, सीमा तुम ठीक तो हो ना? हाँ। राहुल। यस बॉस। क्या हो रहा था ये सब कुछ? हाँ कुछ नहीं, बस टीवी देख रहे थे। टीवी? यस बॉस। टीवी देख रहे थे तुम लोग? यस बॉस। तो फिर देखो ना। ओके बॉस। देखो, बाय बाय बॉस। बाय। अजीब आदमी है, पहले बीवी से परेशान था, अब टीवी से परेशान है। पता नहीं पता नहीं, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? देखो शीला, तुम्हें सबूत चाहिए ना? देखो, तुम सिद्धार्थ के साथ आज बाहर मत जाना, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम भूषण? शीला, सिद्धार्थ का मॉडल्स के साथ कुछ चक्कर है,
लेकिन शीला, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा रिलेटिव हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। पर... कह रहा हूँ मुझे पता है, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें, क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें कभी कुछ पता रहा है क्या? कैसी शक्ल बना रखी है तुमने? सिद्धार्थ, यू माइंड योर बिजनेस। व्हाट बिजनेस? हाँ सिद्धार्थ। हाँ डार्लिंग। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। क्यों? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत? इनके सर में दर्द है। सर में दर्द? बुखार भी है। तुम्हें बुखार भी है? मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कोई डॉक्टर को बुलाऊं, कुछ करूं? नो, आई विल बी ओके। ठीक है, मुझे आज एक मीटिंग भी खत्म करनी थी, मैं उसे खत्म कर लेता हूँ। ओके डार्लिंग। सी यू लेटर। आई टोल्ड यू इट विल वर्क। हाय। हाय सीमा। आज तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, सिद्धार्थ ने अचानक फोन किया, हम लोग शहर घूमने जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा शहर है। तो सिद्धार्थ साहब तो आ ही रहे होंगे, ही विल बी कमिंग। हाँ, कुछ ही देर में। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कहाँ? मुझको फोन करना है। फोन? किसको फोन कर रहे हो राहुल? अरे नहीं नहीं सीमा, वो मुझे मेरी माँ को फोन करना है। तो बाद में कर लेना, बैठो ना, बातें करो मुझसे। मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। हाय बाय। सिद्धार्थ चौधरी यार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कौन है आप? मैं याकूब, यूनुस, यूसुफ, यू नो, आपुस, आपुस आमवाला। मैं आपुस आमवाला, मेरा आपुस आम का बहुत बड़ा बिजनेस है। हमको आपसे एक बहुत बड़ी एड फिल्म बनवानी है। एक ऐसी एड फिल्म जिसे आम आदमी देखे और आम खरीदे और मेरी आमदनी आम आदमी से भी ज्यादा हो जाए। देखिए मिस्टर आमवाला, मैं आपकी सारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे किसी और से मिलना था। किसी और से मिलना था? तो ठीक है, फिर मैं मिस्टर भूषण को फोन कर लेता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं आपको अभी इसी वक्त मिलने के लिए तैयार हूँ। बताइए कहाँ पर? 20 मिनट में होटल स्टार्ट के सामने। हेलो सर, लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मेरे हाथों में दो आपूस आम होंगे, मेरा साइन। और सर आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आपके हाथों में भी दो आपूस आम होंगे ऑब्वियसली। बस अभी पहुंचा मैं आपके पास। स्विट्जरलैंड में आपूस आम कहाँ मिलेंगे यार? करना पड़ता है बॉस, इंडियन लड़की को परदेश में बचाना है, देश की इज्जत का सवाल है। हेलो। हाय। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? पोलैंड। पोलैंड? व्हाई आर यू स्पॉइलिंग योर लाइफ इन पोलैंड? कम टू माय लैंड, माय आइलैंड इंडिया। आई विल मेक यू ब्यूटीफुल हीरोइन, यू नो यू आर वेरी गुड, ब्यूटीफुल, चिकनी चिट्टी गोरी। पार्डन? What pardon? I'll take you to garden. You are very good. What are you doing? Reading. Reading? Why are you reading book? Read me. Mr. I am read ki haddi. Mr. Mad. Sir. Right, mate. Yeah. मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी। क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहाँ पर आम कहाँ मिलेंगे? आम? हाँ। इस वक्त आम कहाँ मिलेंगे? आम, आम पेड़ पे। Thank you. Yeah. क्या कहा? झाड़। बेवकूफ, यू आर रियली मैड। हाँ, पेड़ पर। तो फिर आम कहां से निकलते हैं? बॉस लेने गए हैं आम, मैं करता हूं अपना काम। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिद्धार्थ नहीं आ रहे। अरे तो इसमें नया क्या है, अब उनका काम ही ऐसा है ना। लेकिन देखो तुम अपना मूड मत खराब करो, आज मैं तुम्हें शहर दिखाने ले जाता हूँ। राहुल मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। सीमा सीमा, प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं बोर नहीं करूंगा। देखो सीमा, मैं तुम्हें गुस्सा होते हुए देख सकता हूँ, मुझ पर चिल्लाते हुए देख सकता हूँ, लेकिन तुमको इस तरह उदास नहीं देख सकता। तुम ले जाओगे मुझे? आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से बाहर ले जाऊंगा। देखो आदमी अच्छा हूं, इरादा नेक है और मौसम फर्स्ट क्लास है। चलें। चलो। Thank you.
मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो, जमीन को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहां पे कि तुम हो जहां जहां पे एक पल बिठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो बाकी कपड़ों के साथ रख देना। अच्छा अच्छा तुम ये रख लो मेरी तरफ से फॉर अ वेरी नाइस इवनिंग बाय गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। खुद की बीवी के साथ घूम के आ रहे हो या बॉस की गर्लफ्रेंड को घुमा के? देखिए सर मुझे अरे यार मैं सब कुछ देख चुका हूँ सुन चुका हूँ समझ चुका हूँ। आप थोड़ा सा हद से ज्यादा आगे जा रहे हैं सर। एक्सक्यूज मी। ओके
लेट्स टॉक बिजनेस। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें ये झूठ बोलने के? उससे ज्यादा पैसे दूंगा सच कहने के। अगर तुम अरविंद साहब के सामने उनके दामाद की ये सीमा वाली बात बता दो, माला माल कर दूंगा। आपने मुझे समझ क्या रखा है सर? दलाल? भाई दलाली चाहिए ना, पैसे हो या एजेंसी, मैं दूं या सिद्धार्थ। देखो भाई, मिल बांट के खाते हैं, ऑफिस, एजेंसी, सीमा। बाय बाय सीमा। देखो ना, यहाँ साथ में किसी की शादी का फंक्शन चल रहा है, पॉकेट में आइसक्रीम खा के चलते। व्हाट? पॉकेट में आइसक्रीम खाओगे तुम? पागल हो गए? तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी। ओके बाय, सी यू, टेक केयर। सीमा, बारह तुम अभी नहीं जा सकती। क्यों? ये हमारी शादी के स्वागत का फंक्शन चल रहा है। क्या? हाँ देखो ना, मेरी माँ है वहाँ पर और साथ में भूषण भी है। तुम्हारा मतलब है हमको ये ड्रामा फिर से करना पड़ेगा? हाँ करना तो पड़ेगा। चलो राहुल। नहीं मैं नहीं आऊँगी। नहीं सीमा, बात समझने की कोशिश करो। नहीं पहले सीमा, बहस का वक्त नहीं है। कम 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 प्लीज राहुल, आओ ना। थैंक यू। सीमा मेरी माँ। आओ आओ बेटी, नमस्ते। हेलो सर, हाउ आर यू? बधाई हो। शुक्रिया माँ। तू कुछ मत बोल। तू ये है मेरी बहू, कितनी सुंदर है। हमारे घर में लक्ष्मी आई है और तू बेवकूफ, तूने मुझे बताया नहीं। माँ पर अच्छा हुआ आपने मुझे सब कुछ बता दिया। थैंक यू वेरी मच सर। एनी टाइम। चल बेटी तू अंदर चल, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। चल, और हाँ आज यहाँ से खाना खाए बिना कोई नहीं जाएगा, समझे? चल। मेरा काम हो गया। अरे नहीं नहीं सर, खाना तो खा के जाइए ना। वैसे भी हमारे घर में ऐसे खुशी के मौकों पर खैरात बांटी जाती है। खैरात तो तू अपनी खैर मनाने की बांट। मैं तेरी बारात को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि तू याद करेगा। मंगलम पुंडीकाक्षम मंगलाय तनुहरि, ओम जय जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अक्षमा शिवधात्री स्वासुधा नमोवस्तुते। आओ बेटी, आज से पहले तुम इस घर में कई बार आती रही होगी, लेकिन आज तुम्हारा सच्चा गृह प्रवेश हुआ है। तेरी सारी पलाय मुझे लग जाए। आओ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखो अभी नहीं बेटी, आज दिल को थामने की कोशिश मत करो। तुझे पता नहीं तूने कितनी खुशी दी है मुझे। दूल्हे की माँ हूं ना। बस राहुल बस, बहुत हो चुका। थक गई हूँ, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये नाटक नहीं करूंगी। देखो जब तक मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हो जाता तुम रुक जाओ, उसके बाद मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा।
देखो राहुल, बार बार ये सब करना मुझे अजीब लग रहा है ना? मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी तुमको ये नाटक करना ही पड़ेगा। देखा ना तुमने, मेरी मां वहां अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। देखा नहीं उसकी आंखों में कितनी खुशी थी, और मैं अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और अगर किसी ने भी सीमा उसे दुख पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। हाँ कह दो सीमा, प्लीज मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत करो। हाँ कह दो सीमा। राहुल, I'm sorry, सीमा। सीमा इस दुनिया में मेरा मेरी मां के सिवाय और कोई नहीं। सीमा प्लीज उसका ये भ्रम मत तोड़ना। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता। राहुल, I'm really sorry, राहुल। मुझे माफ कर दो, प्लीज रो मत राहुल। राहुल तुम बैठ जाओ, प्लीज तुम बैठ जाओ। I'm very sorry, राहुल। देखो, actually मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, अपने बारे में ही सोचती रही। क्या करूं, कभी माँ का प्यार देखा नहीं ना, शायद इसलिए। सिर्फ तुम ही तो हो राहुल जिसे मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ, और मैंने तुम्हारा ही दिल दुखा दिया। देखो राहुल, अब तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। सच। ए, अब तो माफ कर दो। ए राहुल, अच्छा ये बताओ, सुनो, उन्हें मैं माँ कहूं या मम्मी कहूं? बोलो ना। Thank you, Seema. ये ले बेटी, ये तुम्हारा मंगलसूत्र। क्या हुआ, इसने कुछ कहा? नहीं। राहुल? नहीं मां, मैंने तो देखा कितनी प्यारी लग रही है तू। तुझे देखकर तो जिंदगी की सारी थकान दूर हो गई बेटी। दोंदीलाल विराजे सुत गौरी हर को। तुमने तो कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा खाओ ना। नहीं मुझे भूख नहीं है, हम लोग चले। मैं एक सेब खा लूं। हाँ, खा लो। थैंक यू। अरे मगर पहले धो तो लो। सुबह मुंह तो धोया था ना मैंने। धो लो। देखो माँ के आने से पहले चलते हैं। हाँ, वो फिर सवाल पूछेंगे और हमारे पास जवाब नहीं होंगे। सवाल तो जरूर पूछेंगे, लेकिन फिक्र मत करो, अभी पूजा खत्म होने में टाइम है। तुम थोड़ा सा ये हलवा खाओ, हलवा बहुत अच्छा बना है माँ ने। खाओ खाओ। राहुल तुम सेब रास्ते में खा लेना। प्लीज चलते हैं। नहीं राहुल एक मिनट, पहले माँ को बाय बोल दो। ओके माँ, बाय बाय। चलो जरा ये मेरा कुछ दे दो। जरा मुझे पहना दो। थैंक यू। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे वाह राहुल, बीवी के आते ही तुम माँ को भूल गए। कौन सी बीवी? मजाक कर रहा हूँ। ये क्या है? मेरी गाड़ी ला, मुझे वापस दे दो। वो तो मुझे भी पता है, क्या लिखा क्या है? अरे कुछ नहीं, दो चार फोन नंबर है। नहीं, थोड़ा सा हिसाब लिखा है कि बहू पर कितना खर्च किया है। 5 रुपए का जूस, 20 रुपए का नाश्ता, 100 रुपए का तोहफा, छी 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 छी, और ऊपर से कमीशन अलग। ये कमीशन क्या है? कमीशन? ये एक नंबर की कंजूस है, मैं जो खाती पीती हूँ बस लिख देते। हाँ, और तुम जो पैसा पानी की तरह भाती रहती हो माँ, ये बहुत पैसा खर्चा करती हो। अच्छा अच्छा, बस झगड़ा मत करो। अच्छा बहू शाम को घर जल्दी आना, याद है ना मैंने क्या कहा है? हाँ। ओके माँ मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहू तू कुछ भूल रही है? बाय माँ। बाय। ओके माँ ये डायरी ले लूँ मैं? नहीं रहने दो मेरे पास, जाओ निकलो। सीमा कुछ पियोगी? नहीं। Some wine.
No thanks. कोई सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं, I'm fine, thank you. ओफ, ये क्या हो गया तुम्हें सिमा? Come on, enjoy yourself. और ये क्या पहन रखा तुमने? ये मंगलसूत्र? ये सिद्धार्थ आ... देखो मैं जानता हूँ, एक बार शीला को चकमा देने के लिए हमने ये ड्रामा किया था, ये ड्रामा खत्म हो चुका है, उतार दो इसे अब. लेकिन राहुल ने अब तक हमारी मदद की है और अब जब वो फंस गया तो मिनट, एक मिनट, राहुल ने हमारी कोई मदद नहीं की. उसने जो कुछ भी किया सोच समझ कर अपने फायदे के लिए किया. उसने अपने आप के साथ एक सौदा किया है जिसकी कीमत उसे मिल जाएगी. सिद्धार्थ, क्या तुम हर आदमी को कीमत के लेवल से ही देखते हो? मुझे भी. सीमा प्लीज, दो दिन तुम उनके साथ क्या रह ली? तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल गया. अब क्या सोच रही हो? राहुल मेरे लिए बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा हो. राहुल बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होगा, उसे जिंदगी भर इंतजार करने दो, उसे इसका ओवर टाइम मिल जाएगा. सीमा, तुमने मुंबई में ऐसा खाना कभी नहीं खाया होगा. सिद्धार्थ, आज मेरा व्रत है. व्रत? ए हे, तुम इन बातों में कब से मानने लगी? हाँ, सवाल मेरे मानने न मानने का नहीं है, सवाल माँ जी की श्रद्धा का है. क्या? माँ जी की श्रद्धा? फाड़ में गई माँ जी की श्रद्धा. सीमा, तुम हो ना, तुम झूठ और हकीकत में उलझ रही हो. भूल जाओ राहुल, माँ, वो घर, ये मंगलसूत्र, ये सब कुछ झूठ है. सिर्फ मैं सच हूं, मैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ चौधरी. सिद्धार्थ, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं. क्या? बहुत खुदगर्ज हो तुम. कहाँ जा रही हो तुम? सीमा, सीमा कहाँ जा रही हो तुम? सिद्धार्थ, मुझे जाने दो प्लीज. तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते. सिद्धार्थ, जिद मत करो. सीमा, मेरी बात सुनो. सीमा, राहुल, I'm so sorry, मुझे देर हो गई. चले. एक मिनट, ये को टाइम है वापस आने का. तुम भी हद करती हो सीमा. राहुल, मैं क्या करती हूँ? अरे, तुम्हें माँ की फिक्र तो करनी चाहिए ना. वो क्या सोचेगी कि उनकी बहू 9-9 बजे रात तक घर से बाहर रहती? राहुल, मैं निकलने ही वाली थी मगर वहाँ... हाँ, पर क्या करें, ये 5-star होटल्स की सर्विस इतनी स्लो है, टाइम तो लग ही जाता है ना. क्या क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर एक दिन तुम बाहर नहीं जाती तो? और वैसे भी सीमा, सिर्फ 2-4 दिनों की बात है, शायद तुम समझने लगी हो कि तुम मुझ पर एहसान कर रही हो. यस. अरे, कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना सीखो. एक्चुअली ना, तुम अंधी हो गई हो, अंधी हो गई हो प्यार में. राहुल, बस बस बस, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी. बहुत सिद्धार्थ. हाँ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, यस, ही इज द बिग बॉस, यस बॉस. अब मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेट्स जस्ट गो प्लीज. और ये मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? इस चेहरे के साथ चलोगी मां के सामने? एक बात समझ लो सीमा, मेरी माँ को हर हाल में लगना चाहिए कि हम दोनों साथ में बाहर घूमने गए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजे में हैं. सो प्लीज प्लीज स्माइल, स्माइल, स्माइल लाइक यू डू. यस, स्माइल. लेट्स गो. अब और टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? चलो. चलो प्लीज. राहुल, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है. आ गए तुम दोनों. मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, क्यों देर कर दी तुम दोनों ने? अरे माँ, वो दफ्तर में थोड़ा सा काम ज्यादा निकला. अच्छा अच्छा. ये क्या माँ, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है? अरे, मैं अकेले कैसे खाती? तुम हो, बहू है, तू वहाँ क्यों खड़ी है? आ यहाँ. अरे, रहने दो बहू को माँ, वो 5-star होटल में कुछ ना कुछ खा के आई होगी. मॉडल है ना मॉडल, कोई आम लड़की नहीं है तुम्हारी बहू. आओ, हम दोनों खाना खा लेते हैं. मेरी बहू व्रत नहीं तोड़ सकती. व्रत? कैसा व्रत? अरे बुद्धू, आज करवा चौथ है, कुछ पता भी है? बहू, ये ले, तू पूजा कर ले, मैं अभी आई. हाँ,
क्या सचमुच सारा दिन तुमने कुछ नहीं खाया? चलो रस्में पूरी कर ले। ऐसे क्या देख रहे हो? प्लीज सीमा मैम, I'm sorry. कितनी अजीब बात है, हमसे मीलों दूर रहने वाले चांद की पूजा तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो पास है, करीब है, उसको पहचानते तक नहीं। सीमा मैं, I'm really very sorry, सीमा। सीमा, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? प्लीज सीमा, प्लीज। नहीं, अरे क्या हो रहा है अब तक? पूजा हुई ना सीमा, तो चलो ना खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, चलो। मैं फोन उठा नहीं, मैं उठा लेता हूँ। सीमा तुम खाना खा लो। चलो सीमा। हेलो, हेलो राहुल। यस बॉस। चलो सीमा। अरे क्या बात है, परेशान क्यों लग रही है तू? तू कोई बात मुझसे छुपा रही है बेटी? नहीं। तू खुश तो है ना मेरे राहुल के साथ? खुश है ना? देख बेटी, मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है, क्या करे, जिंदगी के साथ दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है, लेकिन तू देखना एक दिन मेरा राहुल बहुत तरक्की करने वाला है। अरे तू नहीं जानती, उसके एक बड़े साहब है, सिद्धार्थ साहब, उन्होंने मेरे राहुल का हाथ थाम लिया है, कहते हैं कि बहुत बड़ी एजेंसी खोलेंगे। वो देख राहुल की कंपनी का मॉडल, राहुल तो उसे दिन रात देखता रहता है। एक दिन माँ रो मत माँ, प्लीज माँ, राहुल जरूर कामयाब होगा, उसका ख्वाब जरूर पूरा होगा। जानती हो माँ, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। राहुल बाहर निकलो। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हुआ बॉस? तुम्हारे और सीमा के बीच में ये क्या चक्कर चल रहा है? आज तो बोले बॉस, मेरी माँ सुन लेंगी। सुन लेगी तो क्या होगा, बुलाओ उन्हें, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए इस घर में क्या हो रहा है। बॉस मेरी माँ। राहुल क्या हो रहा है ये? जाके समझाता हूँ आपको सब कुछ। सिद्धार्थ साहब, मेरे राहुल ने कोई गलती तो नहीं की है ना? नहीं माँ, आप अंदर जाइए, कुछ ऐसी बात। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आपका बेटा और ये लड़की, ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। प्लीज बॉस, बॉस मेरे बीच में मत बोलो। ऐसा मत कीजिए, मत बोलो मेरे बीच में। तुम, ये आपकी बहू नहीं है। अच्छा जाइए माँ। ये मांग में सिंदूर, ये गले में मंगलसूत्र, सब कुछ झूठ है। मेरे ही कहने पर इन दोनों ने ये नाटक किया था। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ नहीं माँ जी, आप ठीक तो हैं? माँ मुझे तो निकल जाए यहाँ से। क्या हुआ माँ? तू चुप कर, माँ जी मेरी बात तो सुनिए। छू मुझे, निकल जाए यहाँ से, मैं कह रही हूँ ना, जा तू जा। माँ
दबादा सिद्धार्थ बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता भूषण, मैं तुम्हें बर्दाश्त क्यों करता हूँ? भाई हम लोग रिश्तेदार जो ठहरे, और फिर हम दोनों का मकसद भी तो एक ही है, इस खानदान की दौलत। हम दोनों मिल क्यों नहीं जाते? और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि राहुल सचमुच सीमा से प्यार करने लगा। भाई पति पत्नी के बीच में प्यार तो होना ही चाहिए ना, लेकिन कहीं सीमा भी राहुल से प्यार करने भूषण हाथ नहीं, हाथ मेरा भी उठ सकता है, लेकिन मैं इस वक्त दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। तुम्हारी मर्जी, अगर तुमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो राहुल सीमा को ले जाएगा। रिश्तेदार हूं तुम्हारा, इसलिए कह रहा हूं। राहुल सीमा को damn it! सर सर सर, शुक्ला कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। काम हो गया? सर मैंने सीमा के ड्रिंक में ये मिला दिया है। अंदर रखो इसे, अब कुछ ही देर में वो आपकी बाहों में आके गिरेगी। गुड, बहुत तड़पाया उसने मुझे। कहाँ है वो? पीछे हॉल में। हमसे बात नहीं करना, हम दुखी हैं। ये क्या चल रहा है? क्या पी रहे तू? क्या पी रहे दिखा? थम्स अप, कुछ थम्स अप। कुछ गड़बड़ है, किसने पिलाया तुझे? आपने पिलाया? मैं बहुत दुखी हूँ। अरे दुखी हो इसलिए पूछ रहा हूँ। पीना नहीं, पीना नहीं, और यहाँ से जरा भी हिलना नहीं। मैं राहुल को बुला के लाता हूँ। मैं हिल सकता हूँ? आप तो पूरे हिले हुए हैं साहब, फिर भी हिलना नहीं। स्टैचू, दुखी स्टैचू। सीमा, सीमा, ये क्या हो गया तुम दोनों को? हम स्टैचू हैं, दुखी स्टैचू। दुखी स्टैचू, ये क्या बचपना है? चलो सीमा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं हिलूंगी जब तक राहुल नहीं आएगा। राहुल? सॉरी सॉरी सीमा, प्लीज। राहुल नहीं आएगा तब तक मैं नहीं हिलूंगी। राहुल नहीं आएगा, मुझे पता है ना। नहीं आएगा। वो कहीं और गया हुआ है। चलो मेरे साथ। बाय। बाय। जाता है तू कहाँ?
तो रे पैया छोड़ के तू मोहे ना जा करूं मैं बिनती मोरे सैया ओ सुन ले मोरी अरज सजनवा पूछे तो से मोरा मनवा ओ जाने वाले ये तो बता ओ जाने वाले ये तो बता रे बाबा जाता है तू कहां जाने तू जो बात कहूं मैं इशारों में बिकते हैं ईमान यहां बाजारों में अनजाने तू न जाने कोई जाल फैला तेरी राह में है कोई बात है जो मेरी बातों में है तू ये जान ले बातों बातों में जाता है तू कहां रे पापा जाता है तू कहां फैसला तुझको आज करना है डूब जाना है या उभरना है उस तरफ झूठ है दिखावा है इस तरफ प्यार का बुलावा है उस तरफ लाल ची निगाहें हैं इस तरफ मेरे दिल की राहें हैं जाता है तू कहां जाता है तू कहां रे पापा जाता है तू कहां प्यारे रुक जा रे ए रुक जा रे दुनिया के भरे तेरे मेरे रास्ते हट रहे तेरे वास्ते जाता है तू कहां अरे रे 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 जाता है तू कहां रे बाबा जाता है तू कहां जाता है तू कहां रे बाबा जाता है तू कहां Looking for somebody? तुम? सीमा को ढूंढ रहे हो ना? देखो सिद्धार्थ तुम्हारा कोई भी राज मुझसे छुपा हुआ नहीं है सीमा इस वक्त इस पार्टी में नहीं है सीमा कहाँ है मुझे मालूम है राहुल ये चांद हमारा क्या लगता है हमारे लिए सारी रात क्यों जागता है वैसे तुम भी मेरे क्या लगते हो पता नहीं क्या लगता हूँ तुम्हें पियो चलो लाओ मैं पिला देता हूँ लो नहीं तुम पियो सीमा तुम पियो तुम्हारे लिए अच्छा है तुम पियो ना सीमा पियो ना नहीं सीमा ये आओ क्या हुआ लग गया नहीं नहीं लगा बिल्कुल नहीं लगा तुम पहले मारती हो फिर पूछती हो लगा क्या उस दिन भी मेरे होंठ पे मार दिया था अभी आंख पे मार दिया है क्या यार नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया मैंने अरे एक मिनट दिखा अरे क्या दिखाना अभी मत करो फिर लगेगा प्लीज प्लीज सीमा प्लीज आओ अरे सीमा क्या यहाँ लगा क्या क्या एक मिनट आराम से नहीं नहीं सीमा सीमा नो 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 ओके अभी ठीक है अच्छा अच्छा है फिर से करो ना करो ना पहले तुम आंखें बंद करो ना ओके सीमा चलिए वो रहे दोनों बॉस्टर्ड
रुक जाओ, खेल को बिगाड़ो मत, be practical. चाहे तुम सही कह रहे हो भूषण. तो फिर आज से हम दोनों पार्टनर. तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा और मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लेता हूं. कल इस कहानी का आखिरी दिन होगा. राहुल. यस बस. ये ऑफिस देख रहे हो? कैसा लगा तुम्हें ये ऑफिस? काफी बड़ा है. किसका ऑफिस है बस? राहुल ये तुम्हारा ऑफिस है. मेरा ऑफिस बस? हाँ. और ये है तुम्हारा कैबिन. Hey, that's like it. Very good. Thank you, boss. कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? बहुत अच्छा बॉस. यही था ना तुम्हारा सपना? Yes, boss. सबसे बड़ा सरप्राइज तो अब आने वाला है. ये देखो. कितना शुभ दिन है आज. जिसे जो चाहिए वो मिल गया. राहुल को ऑफिस, मुझे सीमा और सीमा को मैं. आज सीमा और मैं साथ हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से राहुल. इसलिए हम दोनों ने तुम्हें ये ऑफिस देने का फैसला किया है. मुझे पूरा यकीन है कि सीमा के हाथों से अपने इस नए ऑफिस की चाबी लेते हुए तुम्हें बहुत खुशी होगी. लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी सीमा को तुम्हें यह चाबी देते हुए होगी. है ना सीमा? अरे तुम दोनों एक दूसरे को देख क्या रहे हो? चलो जल्दी करो. सीमा राहुल को यह चाबी दो ना. अरे राहुल लो ये चाबी लो. सीमा अब हमें राहुल को उसकी खुशियों के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए. बाय बाय. चलो डालें. मुझे ये ऑफिस नहीं चाहिए. क्या क्या बात कर रही है? अरे तू बैठ जा इस कुर्सी पर किल्ला मार के. नहीं जॉनी, ये सिर्फ रिश्वत. अरे काहे की रिश्वत यार? ये सीमा से सिद्धार्थ साहब की सच्चाई छुपाने की कीमत. मैं जा रहा. कहाँ जा रही है यार तू? मैं सीमा को बता दूंगा कि सिद्धार्थ साहब की नीयत क्या है. अरे सुन, मैं जा रहा हूँ. सुन सुन. अरे तू ये भी जानता है कि सीमा तुझसे प्यार करती भी है? लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना. हीरो तो सब कुछ जीरो करके चला गया. लगता है इस कहानी का क्लाइमेक्स आप उनको ही संभालना पड़ेगा. टैक्सी! टैक्सी! अरे ए! मैं पहले आया. अरे पापा जी पहले मैंने आवाज दी. अरे लेकिन बैठा तो पहले मैं था ना. ओए, खड़ा कौन है? ये बैठा कौन है? तो ठीक है, बैठा बैठा रहेगा, खड़ा खड़ा रहेगा. तुम्हें साथी का हाल है? सॉरी हाँ, अगली बार मुझे तो जल्दी है. सिद्धार्थ जी चलो ना. चलो सीमा. ये कौन सी जगह है सिद्धार्थ? चलो तो सही,
सीमा ये वो जगह है जहाँ मैं सिर्फ अपने खास दोस्तों को लाता हूँ। एक मिनट, मैं आ गया था, आ गया था। सुधा जी देखिए, मुझे ऐसे बहुत देर हो जाएगी, सर दिल का मामला है, जल्दी कीजिए ना। दिल, ये दिल की सब्जी का नाम है? ओ जी सब्जी नहीं है जी, ओ प्यार का मामला जी, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के कॉल पहुंचना है। वही प्यार गर्लफ्रेंड लावा ला फिर पट्टे रख दे। अच्छा सीमा बताओ क्या पियोगी तुम? मैं कुछ नहीं लूंगी। मैं बताता हूँ, आज हम दोनों शैंपेन पियेंगे, राहुल को उसके ऑफिस मिलने की खुशी में। गुड आइडिया, मैं अभी शैंपेन लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम बाहर आओगे या मैं अंदर आऊँ? एक मिनट भूषण, मैं अभी आया, रिलैक्स। अच्छा हुआ भूषण तुम आ गए, तुम ऐसा करो, जरूरी बात करनी थी, आओ आओ मेरे साथ आओ। देखो सिद्धार्थ, तुमने अगर मेरे से धोखा करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। भूषण, मैं तुमसे धोखा कैसे कर सकता हूँ? मुझे मालूम है तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, हैं? बारे में सोच रही थी ना, मैं आ गया। राहुल, राहुल जानते हो मैं, राहुल, राहुल भाड़ में गया। राहुल मेरी बात तो सुनो भूषण। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। सिद्धार्थ, तुम्हारी हमारी क्या बात हुई थी, तुम्हारी हमारी क्या बात हुई थी? यही ना कि हम दोनों पार्टनर हैं। हाँ, और हमारी पार्टनरशिप का बेस ये है कि वो ऑफिस तुम मुझे दोगे, फिर तुम वो ऑफिस राहुल को कैसे दे सकते हो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ भूषण, राहुल को चाबी दे देने से ऑफिस उसका नहीं हो जाता, ऑफिस सिर्फ तुम्हारा है। ये सब कुछ तो उसे चुप कराने के लिए किया गया है, खेल ले तो उसे चाबी के साथ, जिस तरह उसे चाबी दी है उसी तरह उससे चाबी वापस ले भी लेंगे। सीमा कहाँ जा रही हो? सीमा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम इतने गिर सकते हो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं सीमा, सीमा ठहरो, तुम राहुल से उसका ऑफिस छीन रहे हो, तुम जानते हो राहुल के लिए वो ऑफिस क्या है, वो उसकी जिंदगी है, जाने दो मुझे। सीमा, सीमा, तुम्हारे सारे अरमान, तुम्हारे सारे सपने सिर्फ मैं पूरे कर सकता हूँ, सिर्फ मैं। मुझे नहीं चाहिए ये सपने, मैं राहुल को सब कुछ बताने जा रही हूँ। किस राहुल की बात कर रही हो तुम? किस राहुल की? उस राहुल की जिसने एक मिनट में चाबी ले ली, तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं। अरे वो अगर तुमसे प्यार करता तो मैं जरा भी चाहता तो ऑफिस कभी नहीं लेता। वो मुझे चाहता या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसे चाहने लगी हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं राहुल को चाहती हूँ और मैं जा रही हूँ। अच्छा हुआ सीमा कि तुमने मुझे पहचान लिया, और वैसे भी मैं ये शराफत का नाटक करते करते थक चुका हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। सिद्धार्थ, बहुत हो गई शराफत। सिद्धार्थ, अब क्या करोगी? चिल्लाओगी? हाँ तो चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। और अगर कहीं तुम समझती हो कि कोई हीरो शीशा तोड़कर तुम्हें बचाने आने वाला है तो भूल जाओ, कोई नहीं। भूषण, भूषण तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आए तुम यहाँ? उसने मुझे धक्का दिया है। उसने? उसने किसने? उसने। मेरे बॉस राहुल। राहुल। सीमा, ये सीमा, हट। सीमा, सीमा मैं तुम्हें बताने आया हूँ। सीमा, ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुमसे शादी हरगिज नहीं करेगा। मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हें ऑफिस नहीं देने वाला। राहुल यहाँ से बाहर निकलो। राहुल मत जाना प्लीज। तुम चुप रहो। इट्स एन ऑर्डर। अरे क्या ऑर्डर, कैसा ऑर्डर? देखो राहुल, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं तुम्हें अपना बॉस होने से निकालता हूँ। चल, क्या कहा तुमने? हाँ छोड़, ये ले इस्तीफा। फिर राहुल,
अरे राहुल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भूषण, मैं सिद्धार्थ सिद्धार्थ चौधरी हूँ यार। तुम यहाँ पर आई क्यों? हा? मगर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे मेरा स्कूटर खराब हो गया था। वो तो हमेशा होता रहता है। लेकिन तुमने मुझे वो चाबी क्यों दी? तुमने सिद्धार्थ को साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि तुम उसको पसंद नहीं करती और मैं राहुल को चाबी नहीं दूंगी? चलाओ मत। मगर तुम्हें तो ऑफिस चाहिए था, पैसे कमाने से बड़ा आदमी बनना था। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था, तुम बड़ा नहीं बनना चाहती थी। तुम चलो उधर, एक मिनट, उधर 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 चलो। हाँ सीमा, एक दिन तुम्हें कहा था ना कि दो कमजोर इंसान मिलकर एक क्या कहा था? एक कामयाब जिंदगी नहीं बना फिर। लेकिन मैंने ये भी तो कहा था ना कि तुम किसी भी लड़की को खुश कर सकते हो। लेकिन सीमा, साफ साफ कहना चाहिए ना कि तुम अपने बारे में बात कर रही हो। तुम भी ना, तुम्हें सिर्फ गलतियाँ याद रहती है। भूल गए करवा चौथ के दिन मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा था? सारा दिन भूखी रही थी मैं। अरे तुम करवा चौथ की बात कर रही हो? अरे तुम भूल गई कि फॉर्म में मैंने गाना गाया था तुम्हारे लिए। तुम दोनों ने गाना भी गाया था? हाँ, गाना भी गाया था। और उस वक्त मैं क्या कर रहा था? आप आम बेच रहे थे। मैं आम बेच रहा था राहुल? यस। तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ लगी ना मुझको। देखो मगर तुमने इतना लंबा गाना गाया, तुम इतना नहीं कह सकते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम भी तो कह सकती थी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ मैं कह सकती थी, लेकिन पहले तुम्हें कहना चाहिए ना। मैं क्यों पहले कहूँ? तुम कहो ना पहले। मैं, तुम पहले कहो ना। तुम पहले कहो। देखो तुम पहले कहो। देखो साथ में कह दे। ओके। आंखें बंद कर लो। आई आई लव राहुल। लेकिन जरा सोचो राहुल, जब तुम्हारी आदर्शवादी संस्कारी मां को यह पता चलेगा कि इस लड़की ने मेरे कहने पर, एक शादीशुदा आदमी के कहने पर तुमसे शादी का झूठा नाटक खेला है, तो क्या वो इसे अपनाएगी? नहीं, कभी नहीं। चुप क्यों? जवाब दो। मैं इसका जवाब दूंगी। हां तुम? इन्हें मैं लाया हूं, मैं जानता था कि यह सवाल उठने ही वाला है। मैं तुम्हें बताना ही चाह रहा था कि मां किसी मां और मैं मां मैं मेरी तरफ देखो सीमा। सीमा तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा बेटा बड़ा होने के सपने देखकर किसी गलत लोगों की बातों में फंस सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? यह फर्क क्यों सीमा? सिर्फ तुम एक लड़की हो इसलिए?
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो इन जैसे लोगों की है जिन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। एक औरत और एक मां होने के नाते मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूं। के बच्चे ऑफिस मेरा है, ऑफिस मेरा है। सॉरी, कोई बात नहीं, चले। राहुल याद है सीमा, बुमा सीरीज, हवलदार, रुमाल? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा ये स्कूटर, डायरी और वो 200 रुपए के फूल याद है। मगर देखना, एक दिन मैं तुम्हारे लिए ऐसी मर्सिडीज खरीदूंगा। मेहनत की कमाई से। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। यस बॉस। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो बिछाओ